भीतरागाय नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो उपस्थायानं नमो लोए सब साहुं ऐसो पंच नमुकारो सब पाभ प्रणासनो मंगलानंच सव्वे सिम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सुबह बात हुई थी कि भी कर्म जो बांधने की जो प्रक्रिया है जिसको हम भाव कर्म बोलते हैं वो भाव कर्म किस प्रोसेस से चार्ज होते हैं जिसको हम प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं जो भाव करने का मेन इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है किस प्रकार की प्रोसेस से काम करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कि भाव कर्म क्या है भाव कर्म बनने के लिए तीन प्रकार की अवस्था है पिछले अवतार का डेवलपमेंट वर्तमान संजोग और वर्तमान ज्ञान ये तीनों प्रकार की सिचुएशन के आधार से इसमें से एब्स्ट्रैक्ट निकाल के इंटेंशन बनता है और इंटेंशन की फिर प्रोसेस होती है मन बुद्धि चित्त और अहंकार में ये प्रोसेस होती है पहले मन सोचता है विचारों से उसके ऊपर बुद्धि डिसाइड करती है कि हमको उसमें लाभ है क्या नहीं है चित है पिक्चर दिखाता है अलग अलग प्रकार की अवस्था का और बाद में अहंकार सिग्नेचर करता है। तो ये प्रकार के प्रोसेस को कर्म बांधने की प्रक्रिया बोलते हैं क्या बोलते हैं और ये प्रक्रिया जो है प्रोसेस प्रोसेसिंग हाउस अंतस्करण लाइव अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ न्यू कॉज। तो इससे क्या होता है ये प्रोसेस से क्या होता है स्पीच और एक्शन का बीज बनता है ये मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो प्रोसेस होती है इसका रिजल्ट क्या आएगा स्पीच और एक्शन का बीज बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न में ये प्रोसेस है अभी लाइव है यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगी और स्पीच और एक्शन
का संजोग कौन देंगे? कुदरत देंगे। इस प्रकार से कॉज एंड इफेक्ट का काम चलता रहता है। जहां तक कॉज है वहां तक इफेक्ट आएगी। संजोग किस प्रकार से देना है वो नेचर डिसाइड करेगी, आपको डिसाइड नहीं करना है। आपको बॉडी कैसा देना है, अवस्था, परिवार सब कैसा देना है वो नेचर डिसाइड करेगी एज पर योर क्वालिफिकेशन ऑफ योर कर्म। उसमें आपका डिसीजन थोड़ा तो इसी प्रकार से ये कर्म बांधने की ये बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। ये आम लोग इसको नहीं पकड़ पाते हैं। अभी मैंने जो बताया अभी लोग उसको समझने के बाद लोग किसी को दूसरे को भी बताने की कोशिश करेंगे, ये अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं साइंस का न कभी क्रिएटर हूँ और न कभी मालिक हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साइंस का क्रिएटर और ओनर हो नहीं सकता है। और जो कोई क्रिएटर और ओनर है साइंस का, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता है, वो व्यू पॉइंट होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है तो चेयर चाहिए नहीं उनको। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है इसका कोई क्रिएटर नहीं होता है। और मैं यही समझता हूं कि महान पुरुषों ने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया दुनिया के सनातन सत्य का, क्यों किया? ये दुनिया को शून्य समझने के लिए किया। किसके लिए किया? दुनिया की वैल्यू करने के लिए नहीं। वैल्यू तो यहाँ के लोग बताते हैं जिनको संसार में इंटरेस्ट है। और अनुभवी प्राणी पुरुष को यही इंटरेस्ट होता है कि संसार की वैल्यू। और तभी साधु लोग क्या कहेंगे, संसार छोड़ दो, त्याग कर दो, यही कहते हैं ना। धंधा बढ़ाओ, अच्छा एजुकेशन लो, बुद्धिशाली बनो, ये नहीं बताएंगे। हालांकि उनकी भाषा अपूर्ण है। तो कहने का मतलब ये है, हर महान पुरुष जो जिन्होंने दुनिया की सच्चाई जानी वो यही कहेंगे आपको, दुनिया की वैल्यू, दुनिया की हर अवस्था की वैल्यू हमारी दृष्टि से जीरो है। हमारी दृष्टि से उसकी वैल्यू जीरो है। क्यों वैल्यू जीरो है? गिर जाए पड़ेगी सर। क्यों वैल्यू जीरो है? क्योंकि तो दुनिया का एक ही कानून सबके लिए अनादिकाल से है और परमानेंट रहेगा कि इस दुनिया में पैदा होते हैं वो शरीर भी मेरा है, संबंध संपत्ति साधन भी मेरा है, सत्ता भी मेरी है। आप सिर्फ पुण्य का आधार से यूजर है, सफर है। समझ में आ गया? आपको सिर्फ भुगतान करनी है सुख के या दुख के, आपकी मान्यता के मुताबिक और आपके कर्मों के मुताबिक। यहां से शरीर तक भी कुछ ले जा सकते नहीं है, ये कुदरत का कानून है, आप मानो या ना भी मानो, ठीक है। तो फिर ज्ञानी लोग समझ जाते तो आखिर दुनिया में जन्म लेने के बाद जीने के बाद फायदा क्या हुआ? What is the benefit and what gain? बोला नहीं, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, मान सम्मान मिला, पैसा मिला, डिग्री मिली, संबंध मैंने सजाए, संपत्ति मिली। तो ज्ञानी कहता है ये आपने मिली कहा, आपको मिला है ये तो आपकी भीख थी कर्म के हिसाब से, तो रिजल्ट दिया कुदरत ने। मैं कहता हूं मेरे को डॉक्टर बनना है, मैंने बीज डाला, नेक्स्ट बर्थ में पुण्य था तो डॉक्टर बना, ये मेरी भीख का रिजल्ट है, दैट इज नॉट माय अचीवमेंट। मैंने कहा मेरे को करोड़पति बनना है और मेरा पुण्य था तो मैं बना, वो मेरी भीख का रिजल्ट है, दैट इज नॉट माय अचीवमेंट। और ये ओनली फॉर दिस बर्थ, फिर नई भीख, फिर नया रिजल्ट, फिर नई भीख, तो ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है। अगर मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया, अचीवमेंट है, मेरी भीख की पूर्ति हुई। क्या हुए? तो इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, श्रीमद राजचंद्र ने बहुत अच्छा कहा, रजकण के रिद्धि वैमानिक देव नहीं, सर्वे मानिया उद्गल एक स्वभाव। सबका एक ही स्वभाव है, जो पूर्ण किया है वो
इसमें अचीवमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, ना कोई पावर है, ना कोई अचीवमेंट है, सिर्फ एग्जाम का रिजल्ट है। स्वामी जी, यस स्वामी जी, चार प्रकार अज्ञान पण अनेक प्रकारनु छे, अनेक प्रकारना अज्ञानी बिलीफनी क्वांटिटी छे, अने ज्यारे चित्त પ્રાણમાળા ભાગમાં ચિત્ત વપરાતું હોય, ચિત્ત ફોટા બતાડતું હોય, ત્યારે જ ઈ લેવલનું અજ્ઞાન જ્યારે વપરાતું હોય તો સામે ચિત્ત નવું ચિત્ત ક્રિએટ થાય છે પ્રોજેક્શન ફેક્ટરીમાં, નયા ચિત્ત બંધ રહે તો ઈ લેવલમાં, એટલે હું જાગૃતિ તમને મળ્યા પછી જાગૃતિ નિરંતર રહેવાનો મારો પ્રયત્ન છે, પુરુષાર્થ પણ છે, તો અજ્ઞાન બંધન ય લાગે છે, અજ્ઞાન બંધન કરતા બી લગતા હૈ, फिर भी मेरे को हर बार ये चित के लेवल का अज्ञान को डिमोलाइज करने का और मन के लेवल का अज्ञान का डिमोलाइज, सामने नया मन भी बन रहा है, नया चित भी बन रहा है, नया बुद्धि भी क्रिएट हो रही है, तो जो आप जो ये अभी स्टार्टिंग में जो बात हुई उसको वापस वहीं जाके उसका एनालिसिस करो। ये सिंपल बात है कि नया मन, नया चित, नई बुद्धि, नया अहंकार, ये सब कुछ जो होगा वो हमारे इंटेंशन के मुताबिक होगा, और हमारा इंटेंशन अगर सही है, मेरे को नेक्स्ट बर्थ में जो भी मिलने वाला है, मगर एक ही इंटेंशन है, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहाय, ये मेरा इंटेंशन है। माता पिता भी मिलेगा, भाई बहन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर इंटेंशन मेरा ही है। तो आप इंटेलिजेंस सही है, वो तो ग्रीप आ गया, लेकिन जो जो अज्ञान, आप एक सत्संग में ऐसे ही बोल रहे थे कि लाखों प्रकार के अज्ञान होते हैं, अज्ञान की, फिर भी हम अज्ञान से मुक्त हो सकते, वो भी हमारा कॉन्फिडेंस है। फिर भी जब कौन सा लेवल का अज्ञान मेरे प्लेटफॉर्म पे आया, मैं चित का एनालिसिस चल रहा है प्रेरणा वाला कुदरती रचना में, और वही लेवल का अज्ञान चल रहा है, तो मैं अलग अलग डेफिनेशन से जाऊं कि एक ही साधो में आहुति दे दू, समर्पण कर दू परमात्मा के? आहुति देने का बस है ही नहीं। एक भाई ने कहा था मेरे को कई साल पहले, 15 साल हो गए, वो रिसर्च में काम करता था, बड़ौदा में होगा शायद, बहुत साल हो गया, 15 साल पहले, तो उन्होंने कहा मैं अपने रिसर्च के अंदर बहुत सीनियर हूँ, सीनियर था भी वो, 40 साल से वो उसी रिसर्च में काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं रिसर्च का साइंटिस्ट हूँ, मैं साइंटिस्ट को रिसर्च करता हूँ, तो मेरी सोच आम लोगों की सोच से अलग है। मैंने बोला अच्छी बात है आपकी सोच अलग है, मगर इतना जरूर ध्यान रखना कि ये साइंटिस्ट के पास जो सोच है वो अभी भौतिक सोच है, तो आत्मा के अंदर जो इनफाइनाइट ज्ञान ओपन करने का जो पावर है, उसमें से आपको एक कॉर्नर ओपन हुआ है, और वो भी कॉज के आधार से, नेक्स्ट बर्थ में बंद हो जाएगा। नेचर नहीं है, क्या नहीं है? नेचर नहीं, रिक्वायरमेंट के आधार से कुदरत ने आपको रिजल्ट दिया है, आप समझे ना? समझे। क्वालिफिकेशन इज डिफरेंट थिंग, वो एक्सपीरियंस बोलते हैं, एक्सपीरियंस कभी माइनस होता नहीं है, और क्वालिफिकेशन टेंपरेरी होता है। हाँ, मगर आपने जो बीज डाला उसका क्या दिया, जैसे मेरे को डॉक्टर बनना है, मैंने बीज डाला, नेक्स्ट बर्थ में डॉक्टर बनूंगा, मगर ये कॉज एंड इफेक्ट है, उसके बाद नहीं बनूंगा, तो ये अचीवमेंट नहीं है। तो आत्मा के अंदर सभी प्रकार के अज्ञान को ओपन करने की कैपेसिटी है, और इसीलिए हर तीर्थंकर भगवंतों को 82 लाख विद्या गिफ्ट में मिलती है, क्योंकि उसका हर अज्ञान खुला हो गया, अनकवर हो गया, तो कोई भी फील्ड की विद्या है उसको ओपन हो गई, वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे मगर उसको खुली हो गई, और वो भी बट नेचुरल, तो विदाउट डिमांड। तो ऐसा हो, आप जो अभी बोल रहे हैं, मैंने आगे भी प्रश्न बहुत पूछे इस लेवल से, तो जब माया भगवान कोई प्रश्न पूछता है तो जो 82 लाख प्रकार सिद्धि अपने आप प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, उसको काम लग जाती है, ऐसा? नहीं सिद्धि विधि यूज नहीं करते वो, नहीं यूज नहीं करते है, मैं ऐसा नहीं बोलता यूज करते, वो काम में नहीं आती है, वो तो उनके पास जाती है, केवल ज्ञान नहीं, जाती है स्मरण ज्ञान और औद्योगिक ज्ञान से भी ऊपर होता है, तो वो दोनों ज्ञान अपने आप काम करता है, जाती है स्मरण ज्ञान वो पिछले अवतार देखने के लिए, औद्योगिक ज्ञान अभी का देखने के लिए, तो दोनों पैरेलल होता है, उसमें उसको विद्या की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं तो वो कभी यूज भी नहीं करते हैं, उनको गोसाल अपने दिया था, ज्ञान दिया था उसका,
तो निमित्त के आधार से दिया था, ऐसा नहीं कि उनको देना था या नहीं देना था, वो उदय कर्म था, दिया और फिर मिसयूज किया। क्या किया? मिसयूज किया। तो ये तब से ये विद्या देने का जो एक प्रयास होता है, पहले जमाने में, पहले मतलब आज से हजारों साल पहले, जो गुरु विद्या पाते हैं तो शिक्षा विद्यार्थी को धीरे धीरे उसको तैयार करते हैं, उसको विद्या प्रकट हो गए, ऐसा हैंडीकैप नहीं बनाते, मैं आपको दे दूंगा, बस वही हैंडीकैप है। और मैंने आज सत्संग में कई बार कहा है कि मैं आपको हैंडीकैप बनाने के लिए नहीं आया हूँ, आप खुद को समझना पड़ेगा। आई एम अ सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड, और शक्ति मेरे अंदर है, सिर्फ ओपन नहीं हुआ, दैट्स इट। पर मैं हैंडीकैप नहीं हूँ, ओपन नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि है नहीं, है तो सही। तो इसलिए अपने आप को कमजोर कभी मत समझो। अब किसी का गाइडेंस मिले अच्छी बात है, ओपन करने के लिए, किसी का गुलाम बने वो सही बात नहीं है अध्यात्म में। और इसलिए पहले भी मैंने कहा, भीख और भय तो मिटनी चाहिए, तभी अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं। ये नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, खुमारी तो आनी चाहिए, खुमारी आनी चाहिए और साथ में प्रोसेस भी करना ही पड़ता है, अप्लाई करना ही पड़ता है। स्वामी जी, तो ये जो अज्ञान वाली बात, अज्ञान लाइव अज्ञान है और एक अज्ञान प्रेरणा वाला भाग में खाली होता है, जो हम आध्यात्मिक मार्ग में हर बार बोला जाता है। आप तो बहुत कम बोलते हैं क्रोधमान माया लोप, लेकिन क्रोधमान माया लोप जो अपनी लाइव ईगो के साथ जो अज्ञान है वही में है कि जो प्रेरणा वाला भाग में, दोनों में हो सकता है, जहां तक अज्ञान है तो दोनों में हो सकता है, डिस्चार्ज में। तो पर्टिकुलर डिवाइस डिवाइडेड कैसे करें? प्रेरणा वाला भाग में तो पता चलता है, लेकिन जो अपना जो जो अज्ञान हमको बंधन करता है, वही अज्ञान यूज करके हम नया कर्म बीज डालते हैं, वहाँ वही लेवल से वही लेवल पे एनालिसिस कर सकते हैं कि यही कि कौन से वक्त अज्ञान। कोई व्यक्ति हमको मान देती है या अपमान करती है, उस समय हमारे विजन में उसकी प्लस माइनस वैल्यू हो गई, तो आप कमजोर हो गए विजन से, आप विजन से कमजोर हो गए, आपने उसको उदय कर्म के रूप में नहीं देखा, उदय कर्म की वैल्यू किया, और आपको जो कुदरती रत्न कुदरती रत्न समझना था वो नहीं समझे, और उसको पावरफुल समझा, एक को कम समझा, एक को ज्यादा समझा, बस ये आपका ज्ञान हो गया। ठीक, उनके पास शक्ति है, स्वतंत्र शक्ति है, ये मानना ही हमारी अज्ञानता है, उनकी नहीं हमारी अज्ञानता है। जब कुदरती रचना का मतलब होता है उनके पास सब कुछ भी है, फिर भी उनके पास फ्रीडम नहीं है। हाँ, जो कुछ सब कुछ है वो भी उदय कर्म के अधीन है, एक दिन चला जाएगा, क्योंकि आया है तो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा और इसीलिए सामने वाले व्यक्ति की कोई भी अवस्था को हावी मत होने दो अपने विज्ञान के ऊपर। उदय कर्म के अधीन जो कुछ भी उनके पास है वो सही है, उदय कर्म के अधीन मना नहीं करेंगे, मगर वो उदय कर्म आप इसको पावर के रूप में मानोगे वो आपका ज्ञान है। तो हम अज्ञान के पक्ष के हो गए, पावर नहीं है, पावर तो खुद परमात्मा में है। वो कभी, अगर हमारे पास लाख रुपया भी नहीं है, उनके पास 500 करोड़ रुपया है, हो सकता है फाइनेंशियल दे आर मोर साउंड देन अस, कितने भी परसेंटेज गिनो वो हमारे साथ पावरफुल है, एक्सेप्ट करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे विज्ञान से उसका पावर ज्यादा है। हमारा विज्ञान कहता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति पास पावर हो सकता है, सामर्थ्य हो सकता है, फ्रीडम नहीं है, और इसीलिए वो हैंडीकैप है। और हमको और हैंडीकैप है, इसको हम पावरफुल मानेंगे, ये हमारी कमजोरी है। बस शक्ति को स्वीकार करो, हमको हैंडीकैप विजन से होने की जरूरत नहीं है। दादा भगवान कहते थे कि हमारे बड़ौदा में यहाँ 50 गुंडा रहते हैं, उस जमाने की बात है, 50 गुंडा रहते हैं, हमको डरने की जरूरत नहीं है, हिसाब नहीं होगा तो कोई नहीं मिलेगा, और हिसाब होगा तो छोड़ेगा भी नहीं, डरने की क्या जरूरत है? उनके पास प्रेम नहीं है ना हमारे पास नहीं है, डरने की क्या जरूरत है? साइकोलॉजी बिना कुछ हुए डरने की जरूरत है नहीं है जरूरत, दैट्स इट। तो इसीलिए अपने ज्ञान को, अपने सामर्थ्य को सामर्थ्य के रूप में बनाए रखो, और संजोग आते जाते रहेंगे। क्या बताया? संजोग आते जाते, और हमारे सामने संजोग दिखेंगे भी, दूसरे के भी दिखेंगे। हमको साइकोलॉजी इफेक्ट खड़ा नहीं करना है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या करना है?
जीरो करने की, दैट्स इट, तो इफेक्ट नहीं होगा। तो जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री में जो कर्म बीज पड़े हुए हैं अभी तक का, तो केवल ज्ञान ही उसको देख सकते हैं, वो तो देख सकते हैं। जो प्रोसेसिंग में नहीं, कर्म हो गए वो देख सकते हैं, द्रव्य कर्म तो देख सकते हैं, वो तो पता है, लेकिन जो प्रोसेसिंग में पड़ा है वो नहीं देख सकते, इसमें फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए नहीं देख सकते हैं। प्रोसेस को देख सकते हैं, ऐसा नहीं देख सकते, मगर नॉर्मली ऐसा देखने का उनको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति ने पूछ लिया कि अभी उसके मन में जो कुछ प्रक्रिया चल रही है उसका क्या फल मिलेगा, तो भगवान बताएंगे कि उसके मन में अभी उसके अंतस्कर्म में ये प्रोसेस हो रही है, ऐसा बताएंगे, जरूरत नहीं। मगर बीज को तो देख सकते हैं, कोई भी बीज को खुद। तो स्वामी जी, अभी तो सब लोग जो महात्मा यही पूछते हैं, तो कर्म बीज तीर्थंकर भी नहीं देख सकते, तो खुद हम भी नहीं देख सकते, फिर भी लोग वहीं उसको सुधारने के लिए पड़े रहते हैं, खुद का भूतकाल देख के। इसीलिए कहते हैं हम बीज को देख नहीं सकते हैं, मगर प्रोसेस को तो समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि के मुताबिक, अपनी सम्यकता के मुताबिक, अपनी अवेयरनेस के मुताबिक हम प्रोसेस को देख सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस करने वाले हम है। प्रोसेस खत्म हो जाए, बीज पड़ जाता है, वो हमको नहीं मालूम होता। तो स्वामी जी वही सबसे बड़ी, वो इतना इतना सटल और इतना फास्ट है, फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में हो जाता है, सेकंड में 16 टाइम होता है, एक सेकंड में 16 टाइम कोच गिरते हैं। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष जो बात करते हैं वो क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं कि आपको अवेयरनेस बढ़ाओ, आप देखने के लिए जाओगे तो फेल हो जाओगे, बेटर अवेयरनेस ऐसे बढ़ाओ ताकि वो जो कुछ भी चार्ज होने वाला है वो हमारे एंगल से ही हो जाए। और इसीलिए मैंने कहा कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, ऐसा विजन सेट कर दो, कोई भी चार्जिंग होगा मगर उसके माध्यम से होना चाहिए, तो मेरा इंटेंशन ये होना चाहिए, चार्जिंग जो भी होता है, मेरे को माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, परिवार का, जो भी चार्ज होता है, मगर एंगल ये होना चाहिए। तो लोग, हम क्या करते थे कि हमारा भूतकाल को हम देखते वक्त वही सोचते थे कि यही मेरा कर्म बीज करके गिर गया, उसको हम पछतावा लेके प्रतिक्रमण करके सुधार देंगे, वही यही मान्यता तो पूरी हमने खड़ी की हुई है, ये तो विज्ञान में है ही नहीं, वो धार्मिक है ना, धार्मिक है, धर्म है, धर्म। तो उसको तो डिमोलाइज करना ही पड़ेगा ना, वो तो विजन को अपने को जो जिसको साइंस को फॉलो करना है उसको, इसको ये विजन की जरूरत नहीं है, मगर जिसको धर्म को फॉलो करना है उसके लिए बराबर है, जिसको अज्ञान से मुक्त होने का इसकी जरूरत है ही नहीं, नहीं, नहीं। धर्म को फॉलो करने के लिए जरूरत, धर्म रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है और विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, धर्म में डुअलशिप होती है, साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है। इसलिए आप हर बार वचन देते हैं कि आप अज्ञान से मुक्त होने का कॉन्सेप्ट रखो, बस सिर्फ अज्ञान से मुक्त हो गए तो आप समझ गए कि आप पूर्णता तक पहुंच गए, केवल दर्शन का लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए, ठीक है। इसीलिए स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस देके बता के फिर मैं अपना आगे का क्वेश्चन बताऊंगी। लास्ट टाइम आपने ये बताया था कि 6 तत्वों की दृष्टि से आप प्रैक्टिकल में चलो, और उसका बहुत अच्छा अनुभव हुआ बार बार, पर वो जो 6 तत्वों की दृष्टि थी बार बार माइंड से अप्लाई हो रही थी, कि जैसे कोई सिचुएशन दिख रही है या जो ये बॉडी से हो रहा है तो माइंड ये बोलता था कि ये गति सहायक तत्व है, ये स्थिति सहायक तत्व है, और आत्मा तत्व, जड़ तत्व, ये सब टाइम स्पेस सब बार बार माइंड से अप्लाई हो रहा था। एक दिन अचानक, पर ये चीज बहुत निरंतर चल रही थी, इस चीज की प्रैक्टिस बहुत चल रही थी, तो एक दिन अचानक ऐसे ही पानी का ग्लास लेके बैठी और कुछ ऐसा विजन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, उसमें माइंड नहीं अप्लाई करना पड़ा, एंड विजन अपने आप दिखने लगा कि ये गति सहायक मूवमेंट हो रही है, स्थिति सहायक, मतलब माइंड नहीं चल रहा है बट वो विजन में आ रहा है सब कुछ, और उसके अंदर इतना आनंद आया कि लगा कि एक्चुअल में यही विजन है जो 6 तत्वों का विजन होना चाहिए। पर उसके बाद वो डिम हो गया, वो जो विजन की क्लैरिटी थी। okay, yes, please. तो पर वो जो विजन एकदम आया, अब ये हो गया है कि माइंड से अप्लाई नहीं करना पड़ता, वो प्रैक्टिकल दृष्टि में जैसे सेटिंग धीरे धीरे होनी शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है।
तो ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके कृपा से ये सब जो भी हुआ पॉसिबल हुआ। उसके बाद स्वामी जी, जैसे आज भाव की बात चल रही थी, तो मुझे जो अंदर ये बात समझ आ रही थी कि भाव जो हम ये करते हैं कि मोक्ष के लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, ये अंदर भाव चलता है, और ये फोकस जो है मेरा निरंतर चार्जिंग पॉइंट पे रहता है। तो जब ये भाव चलता है स्वामी जी, मुझे एक चीज ये क्लियर करनी है कि भाव किसी को नजर तो नहीं आएगा ना मेरा, क्योंकि मेरी स्पीच में नहीं है, सुनाई नहीं किसी को पड़ रहा, वो सिर्फ मुझे ही अंदर ही अंदर सुनाई पड़ रहा है, वो प्रतिष्ठित आत्मा ही क्रिएट कर रही है। अब इसमें दो बातें मेरे को नजर आती हैं अंदर, कई बार तो सिर्फ एक क्रिएशन चल रही होती है एंड आई एम ओके विद दैट क्रिएशन, मुझे लगता है कि आई एम ऑन द राइट पाथ, और कई बार ऐसा भी होता है कि क्रिएशन ना चल के सिर्फ मुझे अंदर ही अंदर नजर आता है लिखा हुआ और मैं सिर्फ दृष्टा होके उसको देख रही हूँ, एक इस तरह का भी चलता है। तो चार्जिंग पॉइंट बोल अंदर ही अंदर बोलने वाला चार्जिंग पॉइंट है या दिखने वाला चार्जिंग पॉइंट है? वो तो दोनों कोरिलेटेड कोरिलेटेड है, कुछ भी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्लैरिटी हो, दोनों क्लियर। विजन दिखता है, विजन दिखता है, उसमें मैं कह रहा हूं मन बुद्धि चित्त अहंकार वो भी इसमें उसका रोल होता है चार्ज करने में। अच्छा अच्छा, तो उसमें चित्त भी आता है। ओ, राइट राइट, तो पिक्चर भी दिखाता है, बुद्धि भी आती है, अहंकार भी आता है, मन भी आता है, ये प्रोसेसिंग फैक्टर में चारों चार आता है, दोनों पार्ट्स ठीक है, राइट है, ये चल रहा है। तो अभी कभी कभी ये भी होता है कि पूरा फोकस चार्जिंग पॉइंट पे है, अंदर बहुत रिलैक्स है, पूरी अवेयरनेस है, पूरा दो पार्ट्स हैं और विजन भी क्लियर है कि छह तत्वों की रचना है, कुदरती रचना है, कुछ नहीं अंदर चार्जिंग हो रही, और बहुत अंदर डेप्थ में भी अंदर ये लगता है कुछ चार्ज नहीं हो रहा, बड़ी शांति है, बहुत रिलैक्स है। तो वो जो चार्ज ना होना, उसका क्या रिजल्ट है स्वामी जी? चार्ज न होने का मतलब, हाँ मतलब जैसे कुछ चार्ज ही नहीं हो रहा है, कुछ कॉज ही नहीं बन रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता है, लास्ट बर्थ नहीं होता है, नहीं अभी उसका अभी कॉज बनता है, जो सेपरेशन का सेपरेशन रहते वो भी कॉज बनेगा, क्योंकि पुरुषार्थ के रूप में है ना, राइट राइट, तो वो कॉज बनेगा, मगर उसमें क्या है कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं बनेगा, वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोगों में सहायक होता है। हाँ, यही मेरी अच्छा। तो सहायक कैसे रहेगा वो वाला जो कॉज तो बनेगा, ये भी एक कॉज है कि जब आप सिर्फ डिटैच होके डिटैच में हो, अवेयरनेस में हो, तो वो भी एक पार्ट ऑफ द कॉज है, कॉज तो रहेगा रोल, मगर कॉज का प्रकार अलग होता है। अच्छा, जैसे अज्ञानी का होता है या संसार की दृष्टि वाले का होता है, ऐसा कॉज नहीं होता है। अच्छा, हर देखो हर व्यक्ति को, जो भी महान पुरुष अभी भी हो गए ज्ञानी के रूप में, सभी को कॉज होता है, और कॉज होना वो कंपल्सरी है, एक्सेप्ट द लास्ट वर्ड्स, समझ गए। तो इसीलिए अपवाद नहीं है किसी को कि इसको होता है या नहीं होता, हाँ कॉज की कैटेगरी अलग अलग, ये वन ऑफ द कैटेगरी हो गई, दैट्स इट। हायर लेवल का होता है वो ज्ञानी की होती है, अनुभवी ज्ञानी की जो कर्म बाधनी की प्रक्रिया है वो हायर लेवल की है, मगर उसमें भी कभी चूक हो जाता है तो गलती हो सकती है, गलती हो सकती है, क्योंकि प्रमाद करना वो सबका अधिकार है, जहाँ तक संपूर्ण अज्ञान निकला नहीं है वहां तक, और इसीलिए बहुत सारे समर पुरुष हायर लेवल पर जाने के बाद भी नरक गति कर्मजात कर लेते हैं, सभी 99% एग्जाम पास कर दिया है उसने, और उस समय प्रोसेस होते हुए कर्मजात कर दिए तो जाना पड़ता है नरक गति में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है, वो तो होता रहेगा, ये दुनिया जो है जो जिस प्रकार से इंसान को डराती है वो क्योंकि इंसान के पास सही ज्ञान नहीं है, डरने की क्या जरूरत है, जो भी होता है आप समझे, साइकोलॉजी करने की जरूरत नहीं है, दुनिया क्या कहेगी, जो कुछ भी हो गया क्या करेंगे, संजोग है, जानबूझ के नहीं किया क्या करेंगे, मगर तो डरने की जरूरत नहीं है, और ये प्रकृति जो है इसका कोई उसका कोई भी भाग नहीं है, आज जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए उसका कोई भाग नहीं है, टोटली इनोसेंट है, क्योंकि तो कुदरत ने दिया है, वो कर्मों के भुगतान का साधन है, कर्म उसने नहीं किया है, आप समझो, वो कर्म के भुगतान भी ये नहीं कर रहा है, थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट अपना डिस्चार्ज अंतस्करण वो भुगतान कर रहा है, क्योंकि चार्ज उसने किया था, आप समझे, इसने चार्ज भी नहीं किया है,
डिस्चार्ज भी नहीं है, उसके माध्यम से डिस्चार्ज अंतस्करण जो है वो भुगतान कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। ये हमको लगता है कि सुख दुख के भुगतान ये कर रहा है, ये रॉन्ग बिलीफ है। आप समझे ना, जितना ओनरशिप डुअरशिप ज्यादा इतना सफरिंग ज्यादा। अगर ओनरशिप डुअरशिप है ही नहीं, सफरिंग भी नहीं है, हिसाब है, क्या है हिसाब। तो ये कई लोग कहते हैं मेरे को, स्वामी जी भुगतान तो शरीर से होती है ना, अगर शरीर नहीं तो भुगतान सॉरी कैसे करेंगे। मैंने कहा शरीर के माध्यम से भुगतान होती है वो बराबर है, शरीर भुगतान नहीं करती। अगर शरीर भुगतान करती है तो फिर मर्दे को जला दो, भुगतान होनी चाहिए, बोलते नहीं हो तो क्यों नहीं होती है। अगर शरीर ही भुगतान करता है तो उसको तो जला दिया गया, फिर क्यों भुगतान नहीं करता है। यानी शरीर नहीं करता है, अंदर जो डिस्चार्ज अंतस्करण जो चार्ज के फॉर्म में पिछले अवतार में चार्ज था वो डिस्चार्ज है, वो थ्रू द बॉडी भुगतान करता है। राइट, जय सच्चिदानंद। अभी जैसे कभी ये तो मोक्ष के लायक और सहायक संयोग वाला जो भाव है ये हमारा क्रिएट हुआ, कभी एक संसारिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी, जैसे क्योंकि फोकस तो चार्जिंग पॉइंट पे है, तो कभी जैसे अंदर कोई इंटेंशन किसी के लिए रॉन्ग आ जाती है तो वो रॉन्ग इंटेंशन नजर आएगी, ये रॉन्ग इंटेंशन बनी और उसके बाद फिर इमिडिएटली ये अंदर ही अंदर चला कि ये तो रॉन्ग इंटेंशन क्रिएट हो गई कि मेरा इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है, अंदर ही अंदर फिर ये भाव भी बन जाता है कि मेरा इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है। तो वो जो रॉन्ग इंटेंशन है वो डिमोलिश हो जाएगी उस समय या उसका रिजल्ट आएगा। इंटेंशन रॉन्ग है और वो अंत तक रॉन्ग रहेंगे तो फिर चार्जिंग उसी प्रकार का होगा, इसको मोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोड़ने की बात ही मैं बता रही हूँ कि उसी समय नजर भी आया कि ये रॉन्ग इंटेंशन क्रिएट हो गई और ये बोल दिया अंदर ही अंदर कि मेरा इसके साथ सिग्नेचर नहीं है, इमीडिएटली उस रॉन्ग इंटेंशन के बाद ये क्रिएट कर दिया कि मेरा इसके साथ सिग्नेचर नहीं है, ये मेरे से गलत हो गया, मेरे को ये नहीं चाहिए, ये मोक्ष के लायक और सहायक संयोग नहीं है, बस तो कोई बात। तो वो उसके बाद डिमोलिश हो जाएगी, आपके सिग्नेचर नहीं हुए तो कोई बात, देन यू आर नॉट रिस्पांसिबल, वो रिस्पांसिबिलिटी नहीं, ठीक, वो आप रिस्पांसिबल हो। जैसे ये बहन को उसको माइक दो, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न पहले मैंने ये किया था कि ये राग द्वेष आकर खड़े क्यों होते हैं, तब आपने बताया कि जीरो वैल्यू, मतलब जीरो वैल्यू करो, अज्ञानता की वजह से खड़ा होता है। हाँ, ये आंसर है। फिर आपने कहा कि इसके पांच वैल्यू कैसे नहीं करना है, जीरो वैल्यू करोगे तो नहीं होगा, ये उसका उत्तर है। अच्छा, पार आपने बताया पार वैल्यू जो प्लस माइनस करते हैं कोई भी सिचुएशन में जो भी आती है तो प्लस माइनस करते हैं, जैसे तो उदयकर्म को उदयकर्म को ज्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हैं उसके ऊपर, लेकिन अभी पता चला अज्ञान की अज्ञानता मेन कॉज जो है अज्ञानता है ना, उससे ही राग द्वेष खड़े होते हैं, उससे ही क्रोध मान माय रोग होते हैं और उसके बाद आठों प्रकार की कार्य कर्म जय खाती कर्म और ये सब चारों प्रकार की कर्म आवरण आते हैं उसके पास, फिर वो जन्म मरण बना रहता है और पीछे है सुख की अभिलाषा, सुख की इच्छा आपने बताया वो मोहनीय कर्म है। तो मेन फोकस हमारा अपने अज्ञान को नाश करने पे होना चाहिए, मेन फोकस है। अध्यात्म मार्ग का पुरुषार्थ ये है कि आपके अंदर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म, ये तीन कर्म कई अवतारों से है, एक वर्ष का नहीं है। अच्छा। कई अवतारों से क्यूमुलेट होता है, वो तीनों प्रकार के अज्ञान को डिमोलिश करना है। कैसे करना है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और चारित्र से। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का मतलब होता है मैं कौन हूँ वो सम्यक ज्ञान है और दुनिया कैसे चलती है वो सम्यक दर्शन है। तो मैं कौन हूँ उसका जवाब है मैं शुद्धात्मा हूँ और दुनिया कैसे चलती है, दुनिया चलती है कुदरती कानून से। आप समझे? तो ये दोनों होगा तो चारित्र भी क्या रहेगा? सम्यक रहेगा। और सम्यक रहेगा तो मोह नहीं रहेगा, वही निर्मोही दशा। यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन इज इक्वल टू अज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन इज इक्वल टू विज्ञान, यानी चारित्र। मेन फोकस अज्ञान पे, उस पे रहना बस। अज्ञान है वहां तक संसार रहेगा ही। अच्छा।
और ये अध्यात्म के मार्ग में ये पहली बार ये बात निकले है कि अज्ञान को मिटाना वो पुरुषार्थ है। आज तक लोगों ने क्या कहा, ये करना वो पुरुषार्थ है, ये करना पुरुषार्थ है, या तो ये छोड़ना पुरुषार्थ है, या तो करना बताया तो छोड़ना इसको पुरुषार्थ बताया। हमने सिंपल कहा कि करना या छोड़ना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो कुदरती रचना का हिस्सा है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, हमारे अंदर जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म सत्ता के रूप में है, वो जब समय आता है संजोग में तो वो एक्टिव होता है, उनकी प्रोसेस बस वहां से इसको विलेप के रूप में मिटाना है बस। आप समझे ना, और कुछ नहीं करना है। जब भी ओपन हो गए इसको डिमोलिश कर दो, जब भी ओपन हो गए डिमोलिश कर दो, यही मेरा पुरुषार्थ है, और कुछ नहीं करना है। और सत्ता में पड़े हैं, एकदम नहीं निकलेंगे। आप समझे ना, संजोग आएगा तो वो अपना स्वभाव बताएगा, उस समय ही तो ये विज्ञान का उपयोग करके इसको जीरो कर देना है बस, वही तो अज्ञान है। कई बार ऐसे संयोग आते हैं उनके साथ फ्लो के साथ बह जाते हैं, जैसे हम लोग ना, वो हमारी कमजोरी है, वो कमजोरी है, वो कमजोरी है। अच्छा, क्योंकि पावर कितना भी है, आप सिंपल समझो, एक रिलेटिव पावर है, एक रियल पावर है, तो रियल पावर के आगे रिलेटिव पावर की कोई वैल्यू नहीं है। मगर क्योंकि हमारी कमजोरी है तो रियल पावर की वैल्यू हो जाती है और हम बह जाते हैं। आप समझे ना, तो ये हमारी कचास है, धीरे धीरे कचास है का मतलब कोई नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, हमको पावरफुल बनना है यही सोचना है, अज्ञान को मिटाते 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 पावरफुल बनना है, दैट्स इट। कमजोरी का मतलब अपने आप को डिग्रेड या डिप्रेशन में ले जाने की जरूरत नहीं है, हम पावरफुल है ही, मगर हमारा पावर ओपन नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे अज्ञान का आवरण हम लेके आए। बस जैसे जैसे मिट जाएगा हमारा जो ओरिजिनल पावर है वो खुला हो जाएगा बस। सर जी, आपने बताया कि कॉज का इफेक्ट है, जैसे तो जैसे साइंटिस्ट होते हैं, कुछ एक भौतिक साइंटिस्ट है तो ये क्या पिछले जन्म से लेके आते, उसके कॉज का इफेक्ट आया, ये भौतिक साइंटिस्ट होते हैं, और ये वो विचारक जो होते हैं जो ज्ञान सुनकर उनको मतलब चलता है कि मैं इसको जानूं डीप तक उसको, तो इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में बहुत फर्क है, दोनों साइंटिस्ट है, दोनों ही आध्यात्मिक विज्ञानी भी साइंटिस्ट है और भौतिक विज्ञानी भी साइंटिस्ट है, मगर दोनों को साइंस के अंदर अंतर क्या है? एक व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा बैठा है और परमात्मा इस संसार से कैसे मुक्ति पा सके अज्ञान को मिटा के, उसके आधार से वो पांच तत्वों को समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं, वो आध्यात्मिक विज्ञानी है। और भौतिक विज्ञानी सिर्फ पांच तत्वों को जान के आम जनता को वो कैसे जीवन में प्रैक्टिकल में बेनिफिशियरी हो, वो दृष्टिकोण से वो प्रयोग करते हैं। दोनों का एंगल क्या है? अलग अलग है, प्रिंसिपल तो एक ही है, पांच तत्वों की बात तो दोनों में एक ही है। आत्म तत्व नहीं जानता इसीलिए उसको भौतिक कहा, अगर आत्म तत्व जानता तो उसको स्पिरिचुअल कहेंगे, इतना नहीं, बाकी पांच तत्व दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन है। दुनिया में दो प्रकार के साइंस नहीं हो सकते, मगर साइंटिस्ट का जो भौतिक साइंटिस्ट है उसका एंगल अलग है और आध्यात्मिक साइंटिस्ट का एंगल अलग है, प्रिंसिपल एक ही है। जैसे एंगल का मतलब क्या बताऊं मैं, जैसे आप भी योगा करते हैं, कोई साधक होता है तो योगा करता है, और कोई पांच इंद्रिय के विषय वाले वेस्टर्न कंट्री वाले वो भी योगा करते हैं, आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, एक योगी भी करता है, एक भोगी भी योग करता है, दोनों का योग की प्रक्रिया वीडियो में इक्वल आती है, मगर दोनों का इंटेंशन क्या है, एक साधना के लिए योग करता है और एक पांच इंद्रियों के विषयों के भुगतान के लिए योग करता है, तो दोनों की क्रिया एक है मगर इंटेंशन सेम ऐसा है। या साइंटिस्ट आम इंसान को किस प्रकार से साइंस का बेनिफिट मिले वो एंगल से नया नया रिसर्च करता है, और आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है आध्यात्म विज्ञानी, वो हर इंसान अज्ञानता से मुक्त होके जन्म मरण से कैसे मुक्ति पाए उस एंगल से वो विज्ञान को प्रेजेंट करता है। दोनों का एंगल अलग है, साइंस तो एक ही है। जो कॉज का इफेक्ट लेकर आते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, तो जो आपने कहा कि खत्म हो जाएगा इस समय, अगर वो इस ज्ञान को सुन के आगे इसको नहीं बढ़ाते हैं तो खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा फिर। साइंटिस्ट भी पोस्ट है, परमानेंट थोड़ी है। अच्छा,
उनका खत्म हो जाएगा माता, सवाल ही नहीं ना। लेकिन ये ज्ञान सुन के अगर उनकी डेवलपमेंट होती है कि तो वो तो चलेगा, फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ और यहाँ फर्क क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है कि आप देखो जब भौतिक साइंटिस्ट होते हैं तो उनकी सोच में न रिबर्थ है, न आत्मा है, न कर्म का सिद्धांत मानते, तो आप इसको कैसे डेवलप बोल सकते हैं? दे हैव नो फंडामेंटल विजन, दे आर वर्ल्ड बेस्ड साइंटिस्ट ऑफ कोर्स, लाइक अ सर आइजैक न्यूटन या तो आइंस्टाइन कहो, बड़े साइंटिस्ट है। मगर जिसके पास में आत्मा हूं, कर्म का सिद्धांत या पुनर्जन्म, ये ज्ञान ही नहीं है, अभी आप इसको अध्यात्म के मार्ग में डेवलप कैसे कहोगे? भौतिक में डेवलप है तो फिर वो कहेंगे भी इतना सारा साइंटिस्ट बड़ा है तो वो मोक्ष में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उनको फंडामेंटल पहले सीखना पड़ेगा, क्या है प्योर सोल, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म, ये सब पहले बेसिक समझना पड़ेगा, बाद में आगे बढ़ेंगे। आप समझे ना, उनकी भौतिक चीजों को समझने की जो सोच है वो सोच शायद काम में आ सकती है उसको, आप समझे ना, साइंटिस्ट नहीं रहेगा मगर सोच काम में आएगी, सोच काम में। हाँ, तो इसीलिए इसको अगर मोड़ मिल जाता है तो वो झड़प से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते, इट इज पॉसिबल। लेकिन हमारे जैसे बैकग्राउंड तो नहीं है साइंटिस्ट का, हम लोगों का विचारक है तो साइंस इसको और साइंस समझना आसान हो जाता है, बिकॉज वो लॉजिक वाला होता है। हम क्या होते हैं, श्रद्धा वाले, बस मंदिर में जाना तो जाना ही है, नहीं जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अभी हमको गुरु ने कहा कि ये करना है, नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। यानी हम जो भी धर्म करते हैं वो डर से करते हैं, साइंटिस्ट डर से नहीं करेंगे, हम जो भी करेंगे धर्म डर से करेंगे, और गुरु भगवान भी यही कहेंगे आपको, ये नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे नरक में जाओगे, रात को खाएंगे नरक में जाओगे, दिन में खाओगे स्वर्ग में जाएंगे, मतलब ये सब बताते रहते हैं। तो क्या करेंगे, डर से धर्म चलाते हैं, और आज भी जितने धर्म गुरु वही कहते हैं, डर का एक डर को एक चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया, मगर डर तो रखा, ये करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करेगा तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ जाऊंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ जाऊंगे तो ऐसा हो जाएगा, यानी डर का जो माहौल था जो धर्म में था वो तो वही का वही रखा, आपको डराया तो सही। और अध्यात्म का बेस क्या है, भीख और भय से मुक्ति, वहां तक प्रगति संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, जान सकते हैं प्रगति नहीं होगी, तो इसीलिए पहले भीख और भय की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए पहले कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, देवी देवता भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी देने की या कुछ भी देने की फ्रीडम नहीं है, अगर हमारा हिसाब है तो वो दे ले सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता से उनकी पावर से नहीं कर सकते, तो किसी के पास पावर है वो डरने की जरूरत नहीं, आप समझे ना, मगर हिसाब है तो पूरा हो सकता है, नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए कहता हूं कि ये विज्ञान जो है वो आपको 100% निर्भय बनाता है, नम्रे, और भीख से भी मुक्ति दिलाता है। देने वाला कौन है, वो कहता है ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दिया, हम कहेंगे ज्ञान दिया, मगर आप कहोगे, आप स्वीकार होंगे कि ज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान देने की स्वतंत्रता है, है? श्वास लेने की स्वतंत्रता किसी के पास है? तो ये संजोग है, देना लेना, आपका उदय है, उनका भी उदय है, उनकी भावना अच्छी है कि भी कैसे भी करके लोग अज्ञानता से, कर्म के बंधनों से, जन्म मरण से कैसे मुक्ति पाए, ये मेरी भावना है, और इस भावना के अनुरूप मेरे पास कोई भी ज्ञान है तो मैं लोगों को बांटूं, ये भावना के आधार से उसको संजोग मिले। और हमारी भावना थी कि हमको अज्ञान से मुक्ति पाना है, ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष, तो दोनों का मिलन होता है, और यह भी कुदरती रचना है, इसमें दोनों में से किसी के पास फ्रीडम, आज हम सब यहां बैठे हैं, किसी का फ्रीडम नहीं है। जब हम अध्यात्म के मार्ग में, प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो पहले
दिमाग में से डर निकाल दो, भीख भी निकाल दो, भय भी निकाल दो। हम पहले भी कहा, हम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं नंबर एक, और न कुछ खोने के लिए आए हैं। क्योंकि पाना है वो भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, खोना है वो भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके पास जो आता है जाता है वो दोनों उदय कर्म है। यस और नो? तो उसमें पाना खोना वो तो सब्जेक्ट है ही नहीं। मगर हम सब मनुष्य के भाव में जो कुछ ऐसा ज्ञान मिले, जो विज्ञान के रूप में, जो सनातन सत्य के रूप में, उस विज्ञान के माध्यम से हम अगर इस वर्ष में हमारे जितने भी अज्ञानता मिटा सकते हैं, वो हमारा अचीवमेंट है, वो ही हमारा डेवलपमेंट है। अज्ञानता मिटा सके वो ही हमारा पुरुषार्थ है, वही हमारा अचीवमेंट है, और वही डेवलपमेंट नेक्स्ट बर्थ में साथ में आएगा। बाकी यहाँ जो कुछ भी मिलता है और चला जाएगा वो तो उदय कर्म है, और इसीलिए वो प्राप्ति या लॉस है नहीं। आपसे प्राप्ति भी नहीं है, लॉस भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी क्या करें, मेरे पास तो 50 करोड़ थे, अभी बहुत नुकसान हो गया और अभी 25 करोड़ हो गया। मैंने बोला वो भी तुम 0 से 25 हुआ ना, नुकसान कहाँ है? मगर जो कंपैरिजन करता है वो ये नहीं समझता है इंसान के मेरे जीवन के 90 में से या 60-17 साल में से 60 साल निकल गए, अभी 10 ही बाकी है। वो देखो ने पैसे को काउंट करते हैं। मैंने क्या कहा, इंसान क्या करता है, जैसे वो सीनियर होता है तब वो पैसे का काउंट करते रहते हैं, कितनी मिलकत बढ़ी, कितनी संपत्ति बढ़ी, आप समझे ना। और कुदरत क्या करती है, उनका आयुष्य काउंट, कितना ब्रीदिंग बाकी रहा है वो काउंट करता है, अभी ब्रीदिंग खत्म हो जाए मैं उसको ले लूं। तो तुम उसका सोचो कि हमारी आयु कितनी बाकी है और इस आयु में हमको क्या करना चाहिए। अभी हम दुकान खोल कर बैठेंगे तो दुकान खोलने का समय है, अभी 60-70 इसमें दुकान खोलने का समय, अभी तो समेटना है और हमको देखना है कि भी हमारा नेक्स्ट बर्थ कैसा चाहिए, ये हमारे विजन में होना चाहिए। और वो जैसा भी हो मगर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक हो, ऐसा विजन होना चाहिए। अभी दुकान खोलने की जरूरत नहीं, पैसा कितना बढ़े, संपत्ति कितना बढ़े, सत्ता कितनी बढ़े, साधन कितनी बढ़े, वो देखने की जरूरत नहीं है। नेसेसिटी के मुताबिक मिले बहुत अच्छी बात है, नेसेसिटी जरूरत के मुताबिक, ज्यादा मिलने से क्या फायदा, आप समझे कि नहीं। स्वामी जी वो ऑटो मोड वाली बात कही ना आपने, उसको थोड़ा समझना था, लाइक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात की, तो श्वास ऑटो मोड है, विचार भी ऑटो मोड है, तो जो भी करते हैं वो भी ऑटो मोड ही है ना, बराबर है फिर। तो सॉफ्टवेयर को क्या करना है, मतलब अलग रहना है वो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा होता है कि बातचीत होती रहती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, कि हार्डवेयर जो भी करता है ये तूने गलत किया, अभी ये कर, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बताओ ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात क्या है बताओ मैं आपको। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है आपका जो विजन सेट हो गया है वो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर का मतलब होता है फिर इसकी कॉपी होती है, फिर कितनी बार गलती होगी वो काउंट नहीं करने का, मिस्टेक सॉफ्टवेयर में, एक बार सॉफ्टवेयर में आपने प्रिंट कर दिया 2+2=5 सॉफ्टवेयर में, अभी आप इसके प्रिंट निकालोगे लाख लाख निकालोगे तो वही आएगा। तो हार्डवेयर में तक गलती नहीं है, गलती कहाँ है? फिर कैसा, 1 लाख कॉपी गलत थी, 2-4 गलत हो सकती है, सब गलत हो सकती है, मगर सब गलत होगी, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर। एक मिनट में समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर में गलती है तो हार्डवेयर वही बनेगा। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है प्रोग्राम। हाँ, तो मैं सॉफ्टवेयर जो समझती हूँ वो कि सॉफ्टवेयर मतलब शुद्धात्मा। नहीं, शुद्धात्मा को तो पुरुषार्थ करना ही नहीं है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है आपका विजन, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका डेवलपमेंट, मतलब मेरी समझ। हाँ, आपकी लाइफ समझ में, जो लाइफ है। अच्छा, डिस्चार्ज वो तो रहेगी मगर लाइफ समझ का इम्पोर्टेंट है, वो आपका अभी सॉफ्टवेयर, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, डिस्चार्ज में नहीं कर सकते, वो तो प्रतिष्ठित आत्मा सॉफ्टवेयर में आया। जैसे मैं एक स्थूल एग्जांपल दे दूं, स्थूल एग्जांपल, ताकि आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मालूम हो जाए। हमने आज से 100 साल 100 अवतार पहले सोच लिया कि भगवान का ऐसा रूप होता है, जैसे राम कहो, कृष्ण कहो, महावीर कहो, शिव कहो, स्वामीनारायण कहो, जो भी कहो, एक फॉर्मेट हमने सेट कर दिया विजन में। तो एक बार हमने सॉफ्टवेयर सेट कर दिया कि भगवान
इस प्रकार के आकार के होते हैं, वो रिद्धि सिद्धि वाले शक्ति वाले होते हैं। अभी आपने ये अवतार, पांच अवतार आपने, 5-15 अवतार राम के अंदर गुजारे भगवान मान के, फिर सॉफ्टवेयर आपने चेंज किया, नहीं नहीं राम तो अच्छे नहीं है, काम नहीं करते, अभी कृष्ण चाहिए, तो फिर आपका वो कृष्ण रहेगा सॉफ्टवेयर में, ठीक है। फिर कोई कहेगा नहीं राम कृष्ण काम नहीं करेंगे, आपको तो शिव चाहिए, वो सर्वशक्तिमान है, तो आपने सिर्फ शिव को चेंज कर दिया सॉफ्टवेयर में, फिर आपको फॉलो करते। फिर कोई कहेगा नहीं भाई विदराग मोक्ष में जाना है तो विदराग भगवान चाहिए, तो मावी को करो, ऐसे हम सॉफ्टवेयर बदलते रहे। मगर ये नहीं माना हमने कि भगवान बॉडी, बॉडी को भगवान नहीं कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर नहीं चेंज करोगे वहां तक आप रियल मार्ग में नहीं जा सकते, रिलेटिव मार्ग बदल सकते हैं, और वो जितने भी मार्ग बदलोगे वो क्या होगा फॉर्मेट। तो चेंज कहां करना है सॉफ्टवेयर में, कि गॉड माइंड स्पीच और एक्शन के फॉर्म में नहीं होते हैं, निराकार गॉड निराकार होते हैं, और बॉडी के माध्यम से आम लोगों को पावरफुल व्यक्तियों का लाभ मिलता है तो वो रिस्पेक्टेड है, चाहे वो राम है कृष्ण है महावीर है जो भी है रिस्पेक्टेड है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मगर रिस्पेक्टेड इज इक्वल टू गॉड, ये सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए। नाउ यू अंडरस्टैंड, गॉड एंड रिस्पेक्टेड बोथ आर द डिफरेंट थिंग। रिस्पेक्ट जो है वो डिस्चार्ज के फॉर्म में है, चार्ज और डिस्चार्ज फॉर्म में, जो गौर है उसमें चार्ज डिस्चार्ज वो फर्क नहीं। तो ये एक बार सॉफ्टवेयर की गलती हो जाती है तो कितने अवतार चलती है, आप गौर बदलेंगे मगर गौर की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। ये एक मिस्टेक कहाँ है सॉफ्टवेयर में। अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दू, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि जैसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान को संकेत आ गया कि मेरे को ये सिमंदर स्वामी का मंदिर बनाना है और त्रिमंदिर साथ में बनाना है, उनका जो भी एंगल है उदय कर्म, क्या है उदय कर्म, 100% उदय कर्म है, उसमें उसकी कोई फ्रीडम नहीं है। मगर जिस प्रकार से वो प्रेजेंट हुआ शब्दों के माध्यम से कि भी ये मेरा संकेत है और संकेत के आधार से त्रिमंदिर बनाना है, हालांकि मैं मंदिर बनाने का टोटल विरोधी हूँ, वो 1000 बार बोल चुके हैं, हमने कई बार उसके मुंह से प्रत्यक्ष सुना है, फिर भी एक संकेत आया जो भी उसका उदय कर्म उसके मुताबिक, और कैसे भी करके वो मंदिर की स्थापना होगी उनके हाजरी में, और उसके जाने के बाद मंदिर कंप्लीट हुआ, 92 में प्रतिष्ठा हुई। अभी क्या हुआ, मंदिर गलत नहीं है, मंदिर बनाने वाला गलत नहीं है, और मंदिर में जाने वाला गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। मगर सॉफ्टवेयर में गलती क्या हो गई, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान सिर्फ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अक्रम विज्ञान की बात कहा, और अक्रम विज्ञान के बाद मोक्ष के लिए थी, किसके लिए थी, मोक्ष के लिए, और उन्होंने मंदिर बना दिया। अभी उनकी परंपरा में हजारों मंदिर बनेंगे 100 साल के बाद, तो आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज बिगिनिंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड वी फॉलो द ट्रेडिशन। नाउ यू अंडरस्टैंड, तो अभी वो कहेंगे मेरे को बनाना है तो एग्जाम्पल तो है उनके पास, हाउ यू कैन डिनाय, नाउ यू अंडरस्टैंड, तो ये परंपरा होगी, फिर ज्यादा होगी अभी तो, क्योंकि ये गलती होगी, मतलब जानबूझ के नहीं किया है, आप समझो वहां मिस्टेक हो गई, मतलब वो उदय कर रहा है उसका, मगर ये उदय कर में आया इसका मतलब अभी ये चलेगा, तो जो साइंस है वो फिर नहीं रहेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ द टेम्पल इज रिलेटिव ट्रूथ एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ, वो दोनों मेल नहीं कहेगा। आप जैन है तो कहना पड़ेगा आपको जैन के मंदिर में जाना है, आप वैष्णव है तो कहना पड़ेगा आपको कृष्ण के मंदिर में जाना है, आप शिव को मानते हो ब्राह्मण हो तो बोला शिव के मंदिर में जाना है, आप समझे, आप महात्मा हो तो बोला त्रि मंदिर में जाना है, ये आपको बोलना पड़ेगा, यू अंडरस्टैंड मी, इसका मतलब ये आपका फॉर्मेट हो गया, क्या हो गया फॉर्मेट हो गया। दूसरी बात क्या हो गई, एग्जाम्पल कहता हूँ ये समझने के लिए, ये किसी गलती निकालने के लिए, मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूँ, वो एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, किसी की गलती के फॉर्म में मत देखो, हमको साइंस समझना है इसलिए। अभी उसके जाने के बाद उन्होंने नहीं कहा फिर भी उसकी समाधि बनी, उन्होंने कहा है मगर फिर भी बनी, कैसे भी करके जो बनाई जिसकी बनी और जिस लोगों ने बनाई और जिस लोगों ने उसको फॉलो किया, ये सब का क्रिया है उदय कर्म है, क्या है उदय कर्म। मगर सॉफ्टवेयर में गलती क्या हो गई, एक समाधि बनी 100 साल के बाद 100 समाधि हो गई, बस मिस्टेक कहाँ होगी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर फिर हार्डवेयर में तो मिस्टेक है ही नहीं, दे फॉलो द ट्रेडिशन, नाउ यू अंडरस्टैंड, बस ये मिस्टेक हो जाती है। मैंने कहा राम कृष्ण महावीर या 24 तीर्थंकर ने एक भी मंदिर नहीं बनाया,
तो उनके उदय में गलती नहीं थी. They never create the tradition, wrong tradition. आप समझे? उनकी परंपरा में हो गई. Now the people they follow the tradition. तो जो सॉफ्टवेयर में मिस्टेक है बाद में परंपरा हो जाती है. That's it. आज मैं पहले भी दादा भगवान के मार्ग में ही 20-25 साल तक मैंने यही दादा भगवान का ज्ञान, उनके 5 आज्ञा, उनके 7 साधन, जिसमें सामायिक प्रतिक्रमण भी आ जाते हैं, कीर्तन भक्ति भी आ जाते हैं, आरती भी आ जाती है, उसके बाद मैंने 20-25 साल तक सबके सामने रखा. और उसके साथ मैंने साइंस भी रखा, मगर थोड़ा क्या क्रिया के फॉर्म में रखने के बाद साइंस रखना है तो थोड़ा डिफरेंसेस हो जाता है, इतना क्लियर में प्रेजेंट नहीं कर सकता. मगर लास्ट 15 साल से मैंने तय किया कि साइंस के अलावा कुछ नहीं कहना है. पर मैं बचपन से ये मान के चलता था, कोई भी बात मेरी सोच में था क्या व्यक्त होने वाला है वो मेरे को भी नहीं मालूम था, मगर बचपन से ऐसी सोच थी कि मैं दुनिया को कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो आम लोगों को समझने में इजी होना चाहिए, अप्लाई करने में इजी होना चाहिए और अनुभव करने में भी इजी होना चाहिए. उनका लाइफ एकदम लाइट होना चाहिए, टेंशन फ्री होना चाहिए, ऐसी कुछ बात, मगर मौलिक निकलनी चाहिए. क्या निकलनी चाहिए? ट्रेडिशनल नहीं. तो ये मेरे भाव थे पिछले अवतार के, तो ये रूप में आया. उनको दे, उनको दे. जय श्री राम. स्वामी जी, यस प्लीज, आपने इनको इनको दे. આપણે કહીએ છીએ કે મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક સંજોગો, તો એની આપણી જ્યારે આપણે બોલીએ ત્યારે એની પરિણીતિ કેવી હોવી જોઈએ, આપણું દર્શન કેવું હોવું જોઈએ, મિકેનિકલ ના થઈ જાય એટલા માટે હું પૂછું. હા હા, નહીં, આપને બતાયા, બરાબર બતાયા કે મોક્ષ માર્ગ કે લીધે લાયક ઓર સહાયક સંજોગ કા જબ ભાવના કરતે હૈ તો હમારા વિઝન કેસા હોના ચાહીએ તાકી મિકેનિકલ નહીં હો જાય. બાત સહી હૈ. મોક્ષ માર્ગ કે લીધે લાયક ઓર સહાયક કે અંદર હમકો યહી દેખના હૈ क्या लायक और सहायक है. तो भीख और भय से मुक्ति, ये हमारा विजन होना चाहिए. और जो भी मिले वो अज्ञान निकालने के लिए सहायक होना चाहिए और अध्यात्म के मार्ग में प्रगति के लिए सहायक होना चाहिए. भौतिक मार्ग में प्रगति के लिए सहायक नहीं होना चाहिए. कैसे भी करके ऐसा एविडेंस मिले, कोई अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिले, अनुभवी महात्मा मिले, अनुभवी मुमुक्षु मिले, और कैसे भी माता पिता के रूप में, भाई बहन के फॉर्म में, पति पत्नी के फॉर्म में, फ्रेंड्स नेबर के फॉर्म में, जो भी मिले, मगर हमको मोक्ष मार्ग में आगे ले जाने वाला मिलना चाहिए. ये सोच होनी चाहिए हर समय. हम क्या करते हैं, अभी माँ बाप मिला, बोला नहीं फादर तो ऐसा होना चाहिए, मदर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उनका स्वभाव बराबर नहीं है, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो झोंपड़े में रहते हैं, क्योंकि वो गाँव में रहते हैं. तो हमारी चॉइस रिलेटिव सत्य के बेस पर है, यूनिवर्सल ट्रुथ के बेस पर नहीं है. मुख के लिए लायक और सहायक नहीं मांगते, सोशली लायक और सहायक मांगते हैं. भाई हमारे भाई बहन ऐसे होने चाहिए, भाई हमारी पति पत्नी बच्चे परिवार ऐसा होना चाहिए, उसमें रिलेटिव एंगल है, वो नहीं होना चाहिए. मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कोई भी सोच होती है, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक. आप समझे, एंगल की बात करता हूं. सब कुछ यही मिलेगा, संसार तो यही मिलेगा, मगर जो मिलेगा उसमें लोग कैसा मिलेंगे, तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक की भावना होगी, सब इसी एंगल के मिलेंगे. और संसार के लिए लायक होगा सहायक तो वैसा मिलेगा. तो ये 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 आपका जो इंटेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्शन तो आएगा. सभी तीर्थंकरों को, राम कृष्ण को भी परिवार था, जीवन था, लाइफ था हमारे जैसा, इसलिए वो मिलना न मिलने की तो बात ही नहीं, वो तो मिलेगा, लास्ट बर्थ में भी मिलेगा. प्रश्न हमारा, हमारी कोई भी भावना के साथ ये पर्पस होना चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक. ये इंपॉर्टेंट बात है. हमको पसंद आते हैं बुद्धि से, आंखों से, वो नहीं, यहां पसंद ही की बात नहीं है. आप समझे, हमारा आशय क्या है कि हमको जाना है संसार से, मुक्ति पाना है, तो ऐसे संजोग मिले कि उसमें वो सहायक बने. क्या बने? हाँ, वो रोकने वाले नहीं बने. यस, एक मिनट. जय सच्चिदानंद. आप कहो छो के अपने चरण विधि में रिलेटिव ने पण अपने शुद्धि प्रार्थना करिए छे, तेवी रीते व्यवहार शुद्धि माटे पण एमां प्रार्थना आवे छे, अने
આત્માના ગુણોની પ્રાર્થના. તો રિલેટિવનું જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ તો એમાં કેવી રીતે જુદું રહી, એટલે કેવી રીતે એને કરવું જેથી કરીને આપણે મોક્ષ માર્ગમાં એ સહાય વૃત્તિ થાય, અને એનું કેવી રીતે આપણે શક્તિ માંગીએ, જેથી રિલેટિવ માટે જ માંગીએ છીએ અમુક વસ્તુ એમાં, જેમ કે નવ કલ્મો છે, પછી પહેલી પ્રાર્થના છે, બધું રિલેટિવને મજબૂત કરવાનું એમાં વ્યવહાર આવે છે. અચ્છી બાત હૈ, આપ નવ કલમો બોલતે હૈ તો અચ્છી બાત હૈ, મગર એંગલ ક્યાં રખને કા હૈ કે નવ કલમ કા જો રિઝલ્ટ મિલે ચારિત્ર કે રૂપ મે, વો ચારિત્ર મેરે કો મોક્ષ માર્ગ કે લિયે લાયક ઓર સહાયક મિલે. મેરા નવ કલમ કે રૂપ ચારિત્ર બન જાય, લોગ પ્રશંસા કરે, લોગ મેરે કો રિસ્પેક્ટ દે, તો ઇસકે લિયે નહીં ચાહિયે. બરાબર. આઈ રિક્વાયર ધ ગુડ કેરેક્ટર બટ ફોર ધ મોક્ષ, નોટ ફોર ધ આઉટસાઇડ રિસ્પેક્ટ. બહાર કે લોગ મને સન્માન કરે, માન કરે, મેરે કો બહોત બડા, બહોત અચ્છે હો, બહોત અચ્છે હો, આપ ખુદ ચારિત્રવાન અચ્છે, ઇસકે લિયે નહીં ચાહિયે. ये भी चाहिए नव कलम का चरित्र, वो भी एक साधन के रूप में चाहिए, ये मेरा साध्य नहीं है. नव कलम अगर मेरे हृदय में आती है वो मेरा साधन बन जाए, साध्य नहीं. साधन बना लेंगे. That's it. अगर वो साध्य बन गया तो रिलेटिव सत्य हो गया. हाँ, वही गड़बड़ मतलब करने में हो जाती है हमारी. जैसे जैन समाज के अंदर एक बहुत पॉपुलर उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि स्थूलभद्र, शूलिभद्र का नाम जैन समाज में तो बहुत पॉपुलर है. शालिभद्र ने शूलिभद्र, तो शूलिभद्र का ब्रह्मचर्य ऐसा कहते हैं इतिहास या कहूंगे या शास्त्रों में लिखा है कि 84 यानी 84 तक उसका नाम अमर रहेगा, ब्रह्मचर्य के फील्ड में. ऐसा उनका उत्कृष्ट प्रकार का ब्रह्मचर्य था. आप समझे, इक्वालिटी की बात है, कैरेक्टर की क्वालिटी. तो बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य जो इतना अमर हो गया, इतने सालों तक, इतनी 24 तक उसका ब्रह्मचर्य अमर रहेगा, एग्जाम्पल के रूप में. फिर भी उनका मोक्ष नहीं हुआ. नंबर वन. नंबर टू, एक बार उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त किया था वो सिद्धि का उसका उपयोग करके वो शेर बन गया. क्या बन गया? शेर बन गया. गुफा में उनकी बहन उनको मिलने के लिए आती है, वो भी साध्वी थी, तो डर गई देख के. फिर बाद में उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया, मूल रूप. तो कहने का मतलब यह है कि ये सब सिद्धि जो होती है, अगर हमने दिखावे के अंदर बना दिया, ऐसा कोष डाल दिया, तो वो मिलने के बाद भी हम फेल हो गए. सही. कहने का मतलब ये है. तो इसीलिए गलती हार्डवेयर में नहीं है, किसमें? सॉफ्टवेयर में. बीज डाल दिया कि मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएंगे, फिर लोगों को बताऊंगा, बस सॉफ्टवेयर में गलती हो गई. फिर हार्डवेयर में तो हो गई, अपने आप होगा. श्रीमद राजचंद्र ने क्या कहा था जब उन्होंने शताब्दानी का प्रयोग किया बॉम्बे में, सभी देशी विदेशी बड़े बड़े नामांकित व्यक्तियों के सामने, और उसका नाम देश विदेश के न्यूज़पेपर में छप गया, तो पॉपुलर बन गए. क्या बन गए? पॉपुलर. फिर उसको मालूम हुआ, और क्वीन ने उसको बुलाया कि आप हमारे देश में आए और प्रयोग कीजिए, ऐसा इन्विटेशन भी उसको दिया गया. फिर उन्होंने सोचा कि ये करने से क्या होगा, मेरी नाम ना बढ़ेगी, कीर्ति मिलेगी, सम्मान मिलेगा, हो सकता है पैसा भी मिलेगा, मगर मेरा जीवन ये आत्मा की खोज के लिए है और मान सम्मान की खोज के लिए, किसके लिए है? उन्होंने वो सिद्धि को क्या कर दिया? समेट दिया. और बाद में कभी प्रयोग, तो ये उनकी अवेयरनेस है. सॉफ्टवेयर में गलती नहीं थी तो हार्डवेयर में नहीं, मगर सॉफ्टवेयर में होती तो हार्डवेयर में होती, फिर परंपरा क्या होती? भाई उन्होंने किया है तो हम भी वो सिद्धि प्राप्त करके पैसा कमा के नाम ना कमा के आगे बढ़ेंगे, गुरु ने किया वही शिष्य करेंगे. तो ऐसा होता है. तो मिस्टेक हार्डवेयर में नहीं है, कहा है? तो शूलिभद्र के मिस्टेक सॉफ्टवेयर में थी, तो हार्डवेयर में उदय में आई. लोग फिर यही सीखेंगे, उनकी सॉफ्टवेयर में गलती नहीं थी तो हार्डवेयर में नहीं आई. लोग यही सोचेंगे इतनी सिद्धि वाला व्यक्ति ने भी मिस यूज नहीं, नाम ना कीर्ति पैसे के लिए नहीं किया. तो दोनों एग्जाम्पल है. समझ में आया? हाँ.
અને આપ કહો છો ને કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે અનુભવમાં આવે અને શેર કરીએ, તો મને પોતાને બી જુદાપણાનો વ્યવહાર સારો એવો લાંબો ટાઈમ સહી રહ્યું. પછી કોઈ પૂછે ને તમને કેવું રહે છે, એટલે સહેજાસે મારાથી બોલાઈ ગયું કે ભાઈ મને તો સારું એવું રહે છે, અનુભવ સારો થાય છે. તો બીજા દિવસથી પછી આમ જાણે જુદું થવાનું ઓછું ડાઉન થતા પછી મિક્સ થઈ જાય. એટલે આવું 2-3 વાર મને 2-3 વસ્તુઓ સ્ટેજમાં આવ્યા પછી પાછી નીચે પડવાનું થાય, તો આ રીઝન શું હોય એની પાછળનું? કશું નહીં, વો રીઝન તો ક્યા હોતા હૈ, આપને જબ પ્રયોગ કિયા ફિર આપ બોલા ઓર એસા હુઆ હૈ, હો સકતા હૈ કે આપકા ઈગો જો હૈ થોડા પોષણ લાઈમ લાઈટ મેં આ ગયા હોગા કે નહીં, મેરે પાસ તો ભી સમજ મેં આ ગયા, અનુભવ મેં આ ગયા, હો સકતા હૈ તો બાદ મેં વો નેગેટિવ કામ કરતા હૈ, ડાઉન હો જાતા હૈ, અહંકાર કે અંદર સે, હો સકતા હૈ એસા. અચ્છા, મગર બોલને કા સંજોગ વો તો ઉદય કર્મ હૈ, મગર વિઝન મેં એસા નહીં હોના, નહીં હોના જી. મેને ઇસલિયે કહા, આપ સબને સુના હોગા કે જીતના હમારા ડેવલપમેન્ટ હૈ વો માઇનસ કરકે હમકો આગે જાના હૈ. તો મેને કહા હૈ, અગર હમ એક સ્ટેપ સે દૂસરે સ્ટેપ મેં જાના હૈ તો એ સ્ટેપ કો છોડના પડેગા, દૂસરે મેં સે તીસરે મેં જાના દૂસરે કો છોડના પડેગા, કેરી ઓન કરકે નહીં જા સકતા, સાથ મેં લેકે નહીં જા સકતા. યે બાત હમકો સમજની પડેગી, ये ज्ञान अज्ञान को मिटाने के लिए, अज्ञान कितना मिटा वो देखने के लिए नहीं, मिट गया खत्म हो गया, पूरी लाइफ अज्ञान को मिटाने में फोकस करो, वो अपना अचीवमेंट मत समझो. हमारा 30% 10% अज्ञान निकल गया, 90% पड़ा है, तो क्या कहेंगे हमने 10% अज्ञान को निकाल दिया, ऐसा करने की जरूरत नहीं, गिर जाओगे, इसलिए माइनस कर दो अभी और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो जितना हो सके इतना जीवन में अज्ञान दृष्टि को मिटाते रहो, इसके ऊपर फोकस करो, अचीव किया है उसको भूल जाओ, बराबर तो ही डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा. हां, नहीं तो गिर जाओगे, गिर जाओगे. और एक आपका मतलब छह तत्वों जो आप कहो तो समझो सवार थी आपने उठा और आपने सांस सुधी जे का अपनी प्रवृत्ति उदय कर्म मुझे थाय छे तो એમાં छह तत्व કેવી રીતે ઘટાય સામાન્ય થી સમજા વિ શકો તો तत्व का एक एग्जांपल दे देता हूँ, पूरी लाइफ को दिन की बात नहीं करूंगा, एक एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि छह तत्वों को कैसे देखना है. पहले तीन बात समझ लो फंडामेंटली, बाद में सब बात समझ में आ जाएगी. तीन बात, ये दुनिया बनी है छह तत्वों से, 6 eternal elements से दुनिया बनी है, ये दुनिया चलती है छह तत्वों से, और ये मन वचन काया भी छह तत्वों से बना हुआ है. पिंडे सो पहले बेस समझ लो, दुनिया फंडामेंटली छह तत्वों से बनी है, दुनिया छह तत्वों से देखती है, अनुभव में आती है, वो छह तत्व चलती है, और ये मन वचन काया भी छह तत्वों से चलता है. इतना हमको लक्ष्य में रखना है ब्रॉड फॉर्म में. अभी पर्टिकुलर बात करता हूं. पर्टिकुलर में क्या आता है, एक एग्जांपल लेते हैं. एक एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का अपमान कर दिया, अभी उसमें छह तत्व कैसे देखने का, और देखने इसके फायदा क्या है, क्या हम गेन करना चाहते हैं. हमको यह देखना है कि अपमान करने वाले व्यक्ति के अंदर आत्मा है, जिसका अपमान हुआ है इसके अंदर आत्मा है, तो पहले एक तत्व कॉमन है, पहले दो तत्व दोनों में चेतन है, बराबर है, दोनों की जो प्रकृति है वो जड़ है. हाँ, जड़ प्रकृति, जड़, और जड़ प्रकृति ने जो कुछ व्यवहार किया वो कुदरती रचना है, कुदरती रचना, वो कुदरती रचना के अंदर क्या क्या है, जड़ है, हाँ, गति सहायक है, हाँ, स्थिति सहायक है, टाइम है, हाँ, और स्पेस है, प्लेस है, और चेतन तो है ही, हाँ, चेतन की हाजिरी में. तो दोनों की अवस्था के अंदर छह तत्व तो है, और छह तत्वों से अवस्था बनी हुई है, तो तत्व की आत्मा जो तत्व है उनकी अवस्था नहीं होती है, नहीं, अवस्था जड़ की होती है, और जड़ की अवस्था के लिए सहायक के चार तत्व, जड़ तत्व हो उसको सहायक चार तत्व है, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और प्लेस, और इसको ही अवस्था बोलते हैं. बराबर, तो कोई भी अवस्था जीवन में ऐसे नहीं जन्म से मौत तक जो छह तत्वों के बिना है. हाँ, छह तत्वों की बस
और वही छत पर से देखोगे तो डुअर से कॉर्नर से क्लास हो जाएगी। जितना उपयोग करोगे इतना बेनिफिट है, जितना उपयोग करो प्रोसेस करते रहने का। यस डेवलपमेंट ऑफ हम लोग कागज लो छो प्लीज हमारा जरा सवार लो कागज आप प्लीज। प्रश्न नंबर एक डेवलपमेंट ऊपर ध्यान आपो प्रतिक्रमण पर नहीं। डेवलपमेंट एटलू एटलू ऊंचू हो के पछि भोगवटो भोगवटो न लागे तो पछि आप तो एम कहो छो के नर्क गति में डेवलपमेंट नो कसो रोल नहीं साइलेंट है। आप विरोधाभास समझाओ नर गति के अंदर डेवलपमेंट का रोल नहीं वो तो सवाल ही नहीं, देवलोक में भी नहीं है रोल उसका क्योंकि वहां तो पुरुषार्थ ही नहीं है तो रोल कैसे होगा। तो नर्क गति में जो सफरिंग रहता है उसका तो कोई मीनिंग नहीं रहा ना। तो नहीं उसका मीनिंग ये रहा कि आपने कॉज डाला है तो इफेक्ट के भुगतान करनी पड़ेगी। तो डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं रहा वहां तो डेवलपमेंट है ही पुरुषार्थ ही नहीं है तो फिर नर्क लोक में नहीं देवलोक में भी नहीं है। तो डेवलपमेंट और सफरिंग दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो गया वो दोनों। नहीं डेवलपमेंट और सफरिंग का मतलब होता है सफरिंग का मतलब होता है भुगतान बराबर है और डेवलपमेंट का मतलब होता है अज्ञान को निकालना निकालना ठीक है बराबर। अभी जब आप नर्क लोक में है बसु योनि में है या देवलोक में वहां तो डेवलपमेंट का प्रश्न है ही नहीं ओनली सफरिंग है जिसका कर्म चार्ज किया था मनुष्य भाव में। तो सफरिंग के लिए आपको भेजा है वहां डेवलपमेंट के लिए नहीं भेजा है न पुरुषार्थ के लिए भेजा है ओनली फॉर सफरिंग वन वे। यहाँ सफरिंग भी है और क्रिएशन भी है वहां सफरिंग है क्रिएशन नहीं है तो वहां डेवलपमेंट की बात ही नहीं है ना। सब्जेक्ट ही नहीं है पुरुषार्थ सब्जेक्ट ही नहीं है मनुष्य के अलावा बाकी तीन गति में साइलेंट फॉर्म में रहेगा डेवलपमेंट साथ में तो रोल ही नहीं है फिर रहेगा ना पर बोल सकते हैं साइलेंट फॉर्म में मना नहीं करता हूं बराबर मगर कोई रोल नहीं है रोल नहीं है कोई भी रोल नहीं है। आगे लू मैं प्रश्न नंबर दो जीवता जीवता अहंकार ने नहीं भोगवानो अने फक्त मरेला अहंकार डिस्चार्ज परिस्थितिमां नहीं भोगवानो एम केम। बात बराबर है ना चार उन्होंने किया है तो डिस्चार्ज के फॉर्म में भुगतान वही करेगा। उन्होंने कहा है कि मेरे को ऐसे वाइफ चाहिए ऐसा हस्बैंड चाहिए ऐसा पिछले अवतार में कॉज किया है अभी एक इफेक्ट आई तो किसको भुगतान करना पड़ेगा। मरा हुआ है वो सफरिंग कैसे कर सकता है। हाँ मरा हुआ है वो सफरिंग कैसे कर सकता है ये बात बहुत अच्छी कहा आपने कि मरा हुआ है तो जो व्यक्ति मरी हुई है वो ही जिंदी लगती है ना हमको। किसको हर इंसान को जो जिंदा है जिंदा है उसको वो मुर्दा लगता है मुर्दा है वो जिंदा लगता है वो जिंदा है वो मानता है कि मरा हुआ है वो मैं इसलिए ऐसा हो ये हर रोज मर रहा है तो ये मरने की प्रोसेस है जीने की प्रोसेस नहीं नहीं है, नहीं है बराबर मगर आत्मा कभी मरता नहीं है वो दिखता नहीं है और मरता है वो हमको जिंदा लगता है जिंदा लगता है और उसके साथ जुड़ जाता है इसलिए ऐसा होता है। तो जुड़ गया तो वो भी मुर्दा ही जुएगा मतलब नया कर्म कैसा बनाएगा मरने का ही बनाएगा तो उसके साथ जुड़ गया वैसा ही आत्मा के साथ जुड़ेगा तो वो उसके लिए बनाएगा इनके साथ जुड़ जाएगा तो और मरने का कर्म बनाएगा। रियली तो वो भी सफर नहीं कर रहा है ना वो मरा हुआ है वो भी सफर नहीं कर रहा है वो तो कौन मरा हुआ अहंकार है वो भी सफर तो नहीं कर रहा है ना मैं मानता हूँ इसलिए वो सफर कर रहा है मान्यता है वहां तक तो सफरिंग है बॉडी सफरिंग नहीं करेंगे अहंकार तो सफरिंग करेंगे क्योंकि चार्ज उसने किया। जब मैं मान्यता डिमोलिश करता हूँ वो नई भाग की बात है पुराने भाग को तो भुगतान करनी ही पड़ेगी जिंदा अहंकार है उसमें से डिमोलिश होती है। ये हमको एग्जांपल देता है कि आपने ये बीज डाला था इसीलिए रिजल्ट आया है तो इस प्रकार के बीज को यहाँ से खत्म कर दो इसलिए हमारा वहां डेवलपमेंट संजोग नहीं बने ये बिलीफ को खत्म कर दो बिलीफ जिंदा है वहां खत्म होती है बस समझ गया।
तो बिलीफ बिलीफ जो है वो ज्ञान आवरण दर्शन रावण मोहनी अंतराय कर्म उसमें बिलीफ है, बिलीफ और वो कई अवतारों से है, एक अवतार की नहीं, क्यूमुलेटिव है, और ये मन वचन का है कि जो भुगतान है नाम कर्म गोत्र कर्म वेदनी आयुष्य कर्म वो तो रिजल्ट है, और रिजल्ट का बिलीफ है वो तो टेम्पररी अवस्था की, अंदर तो परमानेंट पड़ी है, इसको मिटाना है क्योंकि उसके आधार से संजोग बने, वो बिलीफ में गलती थी इसीलिए कॉज पड़े और कॉज के इफेक्ट आए, अभी करेक्शन वहां करना, यहाँ नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है, ये तो अंतस्करण बाह्यकरण दोनों डिस्चार्ज है, अवेयरनेस वहां रखनी है, दैट्स इट, करेक्शन वहां करना है, वही सॉफ्टवेयर है, वही सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर, ये तो हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है और अंदर का अंतस्करण डिस्चार्ज है वो भी हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर का दो भाग है, आप समझे ना, स्थूल और सूक्ष्म, और सॉफ्टवेयर तो वो है, वो सॉफ्टवेयर में माइंड है, सब कुछ है, मन बुद्धि चेतन का सब कुछ है, चारों है, अंतस्करण है नहीं, यस आई गेट यू, हां नेक्स्ट चार के तीन चार नंबर ओके चार प्रतिष्ठित आत्मा ये प्रकृति नो हिस्सो नथी, ये परमात्मा नो हिस्सो छे, प्रतिष्ठित आत्मा ये प्रकृति नो हिस्सो नथी ये परमात्मा नो हिस्सो छे, सब्जेक्ट टू प्रकृति अने मिश्र चेतन कयो, अने जो एनामा आ गुण ना हो तो तेने चेतन ज कहेवाय, वर्स व्हाट्सएप मा मैसेज होतो है लेमत में मा जड ने हूं छु माने छे तेने मिश्र चेतन कयो, એટલે વોટ્સએપમાં શું મેસેજ હતો, એમાંથી લીધું છે મેં, વોટ્સએપમાં આવ્યું હતું ને એમાંથી, એમ એક ટીપ આવી ગઈ હતી એમાંથી હતું, એમ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એ પ્રકૃતિનો હિસ્સો નથી એ પરમાત્માનો હિસ્સો છે, પરમાત્માનો હિસ્સો છે એવું કીધું, સબ્જેક્ટ ટુ પ્રકૃતિ એ મિશ્ર ચેતન કર્યો છે, બતાવો કોઈ વાત જો ભી કહા હૈ મેરે કો તો વો દેખને કી જરૂરત નહીં, પ્રિન્સિપલ દેખના હૈ, જો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા હૈ વો ન જડ હૈ ન ચેતન હૈ, દોનોં કા કોમ્બિનેશન હૈ, કોમ્બિનેશન पावर चेतन का है और क्रिया जड़ भाव जड़ के जड़ अवस्था का है, और दोनों को कहते हैं मिश्र चेतन, प्रकृति को कहते हैं मैकेनिकल चेतन, प्रतिष्ठित आत्मा को कहते हैं मिश्र चेतन, और मूल आत्मा को कहते हैं शुद्ध चेतन, तो मैकेनिकल चेतन है वो तो ऑटो मोड है, मिश्र चेतन में पुरुषार्थ है, अवस्था जड़ की और प्रकाश आत्मा का, और इसका कैसा यूज वो आपके विजन के ऊपर डिपेंड है, अवस्था भी है आत्मा का प्रकाश भी है, इसका यूज वो आपका विजन है, अवस्था भी है और आत्मा का प्रकाश भी है, इसका उपयोग क्या करना है, ना सार निकालना वो आपके ऊपर डिपेंड है, इसके आधार से पुरुषार्थ होता है, तो कहने का मतलब आत्मा का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बोल सकते प्रतिष्ठित आत्मा को, मगर हाँ प्रतिष्ठित आत्मा की आत्मा की हाजिरी से ही प्रतिष्ठित आत्मा होता है, जड़ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है क्योंकि चेतन में, आप समझे, जड़ में नहीं होता है प्रतिष्ठित आत्मा, जहां आत्मा है और शरीर है वहां ही प्रतिष्ठित आत्मा का एग्जिस्टेंस होता है, और वो भी सिर्फ मनुष्य भाव में और कोई भाव में नहीं नहीं होता है, પાંચ અને એમાં છે અને જો એનામાં આ ગુણ ના હોત તો એને ચેતન જ કહેવાત, કોણ સા ગુણ ના હોત, સબ્જેક્ટ ટુ પ્રકૃતિ અને મિશ્ર ચેતન કહેવાય, પ્રકૃતિ સબ્જેક્ટ માં મિશ્ર ચેતન કીધો પણ એનામાં જો આ ગુણ ના હોત તો એને ચેતન જ કહેવાત, પ્યોર ચેતન કહેવાય, કયો ગુણ ના હોત, પ્રકૃતિ એટલે જળનો, જળનો શુદ્ધ ચેતન કહેવાય, ના એનું અસ્તિત્વ ખરાબ થઈ જાય, કોઈ દિવસ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા શુદ્ધ ચેતન ના થાય, મિશ્ર ચેતન એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે જડ ને હું છું માને છે, એટલે કહો જ્ઞાન પ્રકાશ આત્મા કા હૈ બરાબર, ઓર અવસ્થા જડ હૈ, તો જો દેખતા હૈ જ્ઞાન પ્રકાશ મે ઉસકી ભાવના કરતા હૈ પ્રાપ્ત કરને કી સુખ યા દુખ કે લિયે, ઠીક હૈ, તો ઇસીલિયે મિશ્ર ચેતન બન ગયા હૈ, ક્યા બન ગયા, ચેતન નહીં તો ભાવ કોણ કરેગા, ચેતન નહીં તો આઇડેન્ટિફાઈ કોણ કરેગા, પાંચ ઇન્દ્રિયો એક્ટિવ હૈ બિકોઝ ઓફ ધ સોલ, મગર ઇસકા યુઝ કૈસે હોતા હૈ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા સે,
तो वहां जैसा आपका सॉफ्टवेयर है किसी प्रकार से नया सर्जन होगा फिर विसर्जन। मगर आत्मा से सर्जन नहीं है, आत्मा की हाजिरी है, प्रतिष्ठित आत्मा है और प्रतिष्ठित आत्मा में अज्ञान है वहां तक सर्जन है और सर्जन है तो विसर्जन भी कंपल्सरी है। मगर आत्मा है और अज्ञान नहीं है तो सर्जन नहीं है तो विसर्जन नहीं है, तो बाद में जो विसर्जन रहेगा वो लास्ट रहेगा। इसीलिए डायरेक्ट, क्योंकि मैंने पहले भी सिद्धांत में कहा है कि प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व मूल रूप से नहीं है, एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं है, नहीं तो छह तत्वों में से सात तत्व रखना पड़ेगा एलिमेंट नहीं, मगर वो एलिमेंट नहीं है, वो क्रिएशन है, अज्ञान का क्रिएशन है। अगर अज्ञान नहीं है तो उसका अस्तित्व भी बिलीफ का समूह, तो आत्मा का हिस्सा नहीं है। कई कौन से एंगल से कहा है नहीं मालूम, मगर प्रिंसिपल नहीं है, आत्मा का हिस्सा नहीं है। आगे पांच नंबर, पांच, विज्ञान में दरेक संजोग को स्वीकार्य हो, व्यवहार में दरेक संजोग को स्वीकार्य न हो, ये समझाओ। विज्ञान में सभी संजोग स्वीकार्य है, व्यवहार में नहीं होता है, क्योंकि व्यवहार तो रिलेटिव सत्य है ना, क्या है तो रिलेटिव सत्य को रिलेटिव सत्य के फॉर्म में ही मानना पड़ेगा ना। मगर सनातन सत्य क्या कहता है, जो होता है वही व्यवहार है। मगर व्यवहार में क्या कहता है, ऐसा करना वो सही है, ये करना गलत है, वो रिलेटिव सत्य का सत्य है। और सनातन सत्य में जो होता है वही व्यवहार है, उसमें उसमें डिवीजन ही नहीं है। डिवीजन का मतलब रिलेटिव सत्य, ये सही है ये गलत है वो क्या है, रिलेटिव सत्य है। मगर जो होता है ये सब उदय करना, उदय करना, उसमें डिवीजन की जरूरत नहीं है, अच्छा है बुरा है कुछ नहीं, वही व्यू पॉइंट है, रिजल्ट का मतलब ही वही है। आगे ले लो, अनुभव बात करता करता अंत शून्य थवानु छे, जे शून्य छे त्यां शून्य छे, अपने अनुभव भेगो करी राखी छे त्यां भूल थाय छे, ए समझाओ। अगर मैं पांचवी कक्षा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गया फिर क्या करने का, उसमें तो समझ में आता है मुझे, उतना समझ में आता है। अगर आप सीढ़ी चलते हैं तो क्या करना है, वहां तो समझ में वो भी समझ में यहां समझ में यहां नहीं आता, वो छोड़ना पड़ता है, वो समझ में नहीं आता, वो क्यों ऐसा होता है, नहीं हम उसको ऐसी मानते हैं, सिद्धि नहीं है, अज्ञान को मिटाना वो सिद्धि नहीं है, हमारी कमजोरी को कम करना है, ये पावर नहीं है। पावर तब होगा जब हर अज्ञान निकलता है, बराबर, दैट्स योर पावर। अभी तो पावर कौन सा है, अज्ञान को निकालते हैं, वो आपका ग्रोथ है, ग्रोथ गेन नहीं है, गेन नहीं है, जैसे मैं स्थूल एग्जाम्पल दूं आपको समझ में आए, जैसे आपने एक लाख रुपया की लोन लिया है बैंक में से और हर महीने आपको 5,000 रुपया का पेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ, तो आपको 20 मंथ तक आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो हर महीने हम लाख रुपया तो हमने एक ही बार पे ले लिया, मगर उसका पेमेंट करने के लिए हर मंथ जाना पड़ता है, यस और नो, यस जाना पड़ेगा। तो मैंने 5,000 पेमेंट कर दिया, फिर कहता अभी तो कुछ नहीं भरना है, फिर दूसरा पेमेंट किया, दूसरा इंस्टॉलमेंट, फिर भी जाना पड़ा, नोटिस आएगी, तीसरा हफ्ता देंगे तो भी नोटिस आएगी, तो बुद्धि सोचते भी हम तो लेने के लिए तो एक बार गए थे, अभी पांच बार पेमेंट किया फिर भी नोटिस आती है। मगर ऐसा नहीं है, ये आपने जो पांच बार इंस्टॉलमेंट किया 5,000 का वो आपका अचीवमेंट नहीं है, दैट्स नॉट योर क्रेडिट, यू टू रीपे योर डेबिट। तो डेबिट का मतलब होता है अज्ञान का नाश कर रहे, दैट्स नॉट योर अचीवमेंट। अचीवमेंट कब होगा, जब लोन फुलफिल हो जाएगी। तो स्वामी जी जो सुख के बारे में हम बोलते हैं कि भौतिक सुख कोई भी लो तो उसका रिपेमेंट करना ही पड़ेगा, तो इसके साथ कनेक्टेड है ये बात, वही तो कुदरत ने साफ बोल दिया कि मैंने ब्रह्मांड में कोई भी अवस्था में कोई साधन में कोई भी चीज में सुख जैसी चीज रखी ही नहीं है, और मैंने मान लिया तो मुझे रिपेमेंट करना पड़ेगा। और व्यक्ति मानते हैं कि इसमें सुख है इसमें दुख है, क्या करेंगे, एक कहता है मेरे को एप्पल खाना है, दूसरा कहेंगे मेरे को पसंद ही नहीं है अभी क्या करेंगे, एक कहता है मेरे को पिज्जा बहुत पसंद है, वो कहता है मेरे को देखना भी पसंद नहीं है, तो आखिर पिज्जा थोड़ी बोलता है कि मैं आपको हैप्पीनेस देता हूँ, दैट्स योर इंडिविजुअल बोलिंग। एक कहता है कि शादी करने में आनंद है, एक कहता है शादी करना पसंद ही नहीं है, तो कौन गलत कौन सही, व्यू पॉइंट क्या है, व्यू पॉइंट। जैसे एक कहता है पैसे कमाने के लिए जीना चाहिए, एक कहता है पैसे की जरूरत क्या है,
जरूरत अगर व्यवहार से है तो भी जरूरत के हिसाब से, नेसेसिटी के हिसाब से इतना पैसा मत कमाओ कि इसका मैनेजमेंट करना पड़े, ये बोझ है, आप समझे। तो हर बात में एक मर्यादा होती है, मगर हम बाहर में जाएंगे व्यवहार में, कहीं अभी अभी मुंबई गए थे तो एक भाई कहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहे स्वामी जी आप सत्संग की बात करते हो, ये सुख की बात दुनिया में नहीं, ऐसा करते हो मैंने सुना है, मगर मेरे को लगता है कि सुखी सुख संसार में सिर्फ पैसा चाहिए। सबका अपना अपना बिलीफ होता है, तो मैंने बोला यू आर राइट एज पर योर व्यू पॉइंट, मैं कैसे मना करूंगा, वो मार खाएगा तो फिर आएगा, स्टिल मी इन वॉच, और क्या करेंगे, हम किसी की बिलीफ को तोड़ने के लिए नहीं आए, हम इसको अवेयर करने के लिए आए कि आप समझना चाहते तो समझ सकते, नहीं समझना है तो कंपल्सरी थोड़ी है, ये विज्ञान किसी के लिए कंपल्सरी नहीं है। और दादा भगवान ने भी यह कहा था, मेरा ज्ञान आज्ञा सत्साधन किसी के लिए कंपल्सरी नहीं है, जिसको मोक्ष में जाना है इसको फॉलो करना है, नहीं जाना है तो नहीं करना है। तो स्वामी जी उसका मीनिंग ऐसा हुआ कि सब सब बाबत में हमें सुख को अनुभव तो करना ही पड़ेगा, बाद में ही हमें मालूम होगा कि सुख नहीं है उसमें, ऐसा हुआ सब। कितने अवतार से कर ही रहे हैं, कितने अवतार से कर ही तो रहे, इनफाइनाइट हो तो चीज है। वो कहता है कि स्वामी जी एक काम करो, आपको संसार का अनुभव नहीं, पहले शादी करो बाद में अनुभव करो। नहीं ये उदय कर्म तो है, आप अनुभव अगर अनुभव तो कितने अवतारों से हो चुका है, ये पहला अवतार थोड़ा, दिस इज नॉट अवर फर्स्ट बर्थ, तो ये सब अनुभव तो हो चुका है। अभी हमारे पास इतना डेवलपमेंट सबका है कि ऑब्जर्वेशन करके भी हम अनुभव कर सकते हैं क्या कि संसार में सुख कहाँ है और कहाँ नहीं, इतनी तो सोच हमारे पास है, अगर आप इसका प्रॉपर यूज करेंगे तो बराबर। मैं यही सोचता हूँ कि लोग 12-12 घंटा काम करते हैं किसके लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए, किसके लिए, रोटी कपड़ा, सही बात है, और बाकी सब क्या है, चॉइस है, चॉइस है, और चॉइस के लिए 90% स्पेंड करते हैं और नेसेसिटी के लिए 10%, तो 90% के लिए पूरी अपने लाइफ को होम देने का है, नेसेसिटी के लिए नहीं, चॉइस के लिए। अब देखो तो ये हमको समझना है कि हमारा जीवन भले आज तो जो भी उदय करने वही होगा, मगर करेक्ट ही ना सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कि मेरा जीवन इसके लिए नहीं जीना है, पैसा जीवन में जरूरी है मैं मना नहीं करता हूँ, मगर नेसेसिटी का मिल जाए। दादा भगवान कहते थे भीड़ भी नहीं और भरावा भी नहीं, बस हमको ऐसा भी नहीं करना पड़े और मैं दान दे सकूं बड़ा बड़ा, वो भी जरूरत नहीं, मैं किसी के पास मांगना नहीं पड़े, आप सिर्फ समझे, इतनी मेरे को मिल जाए बहुत हो गए। तो कहने का मतलब ये है, ये उपाधि है, और दादा भगवान ने पूरी लाइफ में मैंने देखा, उन्होंने खुद ने भी कहा है, मैंने कभी बिजनेस के अंदर पैसा कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए और पैसे से आनंद प्राप्त करने के लिए मैंने नहीं कहा बिजनेस नहीं किया, मेरे को नौकरी नहीं करनी थी इसलिए मैंने बिजनेस किया और कुदरत ने मेरे को ये दिया समझो। मगर जब बिजनेस में भी जो पैसा आते थे, मैं तो घर में नौकरी की तरह देते थे, घर चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए 500 रुपये, तो वही देने का, भले यहाँ 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है वो नहीं देने का है। अगर आप जितना ज्यादा होंगे उनकी ख्वाहिश बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा होंगे ख्वाहिश फिर क्या होगा, उनकी ख्वाहिश उनकी चॉइस पर आपको कमाना, चॉइस कमाना, क्या करेंगे, जितना भी लाओगे कम ही पड़ेगा क्योंकि चॉइस तो बढ़ती रहती है समाज सभी सब। तो इसीलिए इसीलिए ज्ञानी ने कहा कि उनके घर भी उनका घर भी उनका घर भी ऐसा था, उनका घर भी ऐसा था 30 रुपयों का किराए का मकान लास्ट ब्रिज तक, उनकी फर्नीचर की रीसेल वैल्यू 100 रुपीज भी नहीं, मार्केट वैल्यू इतना फर्नीचर था। अब देखो इतने महान पुरुष वो ऐसा बोल सकते क्या, बाह्य वैभव के साथ मोक्ष मिलेगा बोल सकते, मगर आपने वैभव शब्द को कन्वर्ट कर दिया बाह्य, उन्होंने कहा था मेरे महात्मा तो ज्ञान के वैभव से मोक्ष में जाएगा, उन्होंने कहा बाहर के वैभव से मोक्ष में जाएगा, उसको कन्वर्ट कर दिया। तो खाना पीना मस्त रहना, तो ये इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है, फिर क्या करेंगे, उनका लाइफ पूरा देखो। तो कहने का मतलब ये, अभी सॉफ्टवेयर में गलती हो जाएगी फिर तो परंपरा रहेगी भाई, खाओ पियो मस्त रहो बंगला गाड़ी में रहो और दादा भगवान के गुण गाया करो बस। तो यही रहेगा, तो गलती सॉफ्टवेयर में होगी, हार्डवेयर में नहीं है। पीपल दे फॉलो द ट्रेडिशन, और
इतना ध्यान रखना, इतने छोटे छोटे जो वर्ड निकले हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये छोटे छोटे शब्द फॉर्मेट, बहुत बड़ी बात, फॉर्मेट और बियॉन्ड फॉर्मेट, एक छोटे छोटे शब्द है, ये दुनिया के हर धर्म गुरुओं को हिला के रखेंगे। बराबर, आप समझे, आप समझे, उनको कोई डिनाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फैक्ट की बात है। यहाँ कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं करते, ये सही है ये गलत, ये बात ही नहीं है, नहीं है। तो हर धर्म में जो भी थिंकर होंगे वो कहेंगे उनकी बात में सच्चाई है, सोचने फैक्ट, ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, और वो ना कन्वर्जन की बात है, कुछ नहीं, ना कि गुरु शिष्य की बात है, ना कोई रिचुअल्स की बात है, और ना कोई फॉर्मेट की बात है। तो उसी लिए उसमें दम होता है। कई लोग मेरे को डराते थे कि स्वामी जी आप अकेले हैं, इतने सारे धर्म के लोग हैं, आपको ये करेगा वो करेगा, मैंने बोला इसमें क्या डरने की क्या बात है, आप समझे, जीवन तो ऐसे ही साहसिक होना चाहिए, मरना तो वैसे भी है, डर के भी मरना है, आप समझे ना, तो जो डर के मरते हैं वो मर ही जाते हैं, आप समझे ना, और जो दुनिया को सच्चाई बता के मरते हैं वो अमर हो जाते हैं, मर जाने के बाद ज्यादा लोग उठ जाते हैं। और आप देखो सोक्रेटिस, क्राइस्ट, वो तो मर गए ना, लोगों ने मार दिया ने, जहर पिला के या बस्तर पे, बाद में क्या हो गए, मार क्यों दिया, उस समय के लोगों को पसंद नहीं है, अमर क्यों हो गए, उनके बाद में दम दम था। तो मरना वो तो एक रिजल्ट होता है, वो डरने की क्या जरूरत है, जो नेचुरल कर्म में ही आएगा वो भी हिसाब है, तो वो डरने की जरूरत नहीं है, और मरना वो तो कंपल्सरी है। तो मरने के डर से जो डरते हैं वो तो ज्ञानी है ही नहीं, वही तो दया दया से आगे जा। नंबर सेवन तो हो गया। नंबर एट लास्ट, नानी नी वाणी अनुभव प्रमाण प्रमाण एटले शू, दर्शन खुली जाऊ एटले शू, दाखला तरीके तमे कहू निगोद ना जीवो जीवो गाढ़ बेपान पणा मां छे, तो तमारा दर्शन मां केम आव्यो, कि हर बातों को मैंने प्रिंसिपल के फॉर्म में रखने की कोशिश किया है, ताकि लोग हजारों साल तक वही प्रिंसिपल को समझेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि जो जो लोगों ने बात कहा है वो गलत तो नहीं कहा है, मगर क्योंकि उनके पास विजन लिमिटेड था और इसलिए एक बात को इतना इंपॉर्टेंट दे दिया, बाकी बात को गौण कर दिया, उसके जाने के बाद वही बात कंफ्यूजन पैदा हो गई, वही बात को कंफ्यूजन पैदा कर दिया, मगर वो चले गए, अभी सॉल्यूशन किसके पास नहीं है, तो वो क्या कहेंगे, भाई हम क्या जाने, दादा भगवान ने कहा है, महावीर ने कहा है, राम ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, बस वही सॉल्यूशन है, तो ये साइंटिस्ट नहीं है। तो इसीलिए दुनिया ने क्या कहा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, वो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कि दुनिया को समझाना है तो थ्री पार्ट को समझना पड़ेगा, एक पार्ट है व्यवहार राशि जिसमें 14 लोग हैं, एक पार्ट है निगोद, और तीसरा पार्ट है सिद्ध क्षेत्र, लोक और अलोक से, ये तीन पार्ट समझोगे तो आपको सायन समझ में आएगा, आप समझे ना, जो 14 राज लोक हैं, 6 देव लोक, मध्य लोक और 7 नरक लोक, ये 14 राज लोक हैं, वो 14 राज लोक के अंदर कभी भी जीवों की संख्या कम ज्यादा नहीं होती है, इंटरनल प्लस माइनस हो सकती है, मगर नंबर ऑफ क्रिएचर्स इज सेम इन 14 राज लोक, और इसीलिए रेगुलेटरी ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहते हैं कुदरत का कानून, वो एक्ट कर सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ क्रिएचर इज फिक्स इन 14 लोग। यहां से जितने लोग सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं इतना निकोस से व्यवहार राशि में आते हैं, आप समझे ना, तो ये सिंपल बात हो गई कि मैनेजमेंट करना इसके लिए आसान है, क्योंकि अमाउंट ऑफ द क्रिएचर इज फिक्स, और वहां मैनेजमेंट नहीं करना है, ना देवलोक में, अरे सॉरी, ना सिद्ध क्षेत्र में करना है, ना निकोस में करना है, आप समझे ना, तो मैंने एक फॉर्म बनाया लोगों को समझाने के लिए कि जो एक्सप्लेन करते हैं वही आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, अगर आप गलत करोगे तो किताब में तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है, तो फिर आप खुद कंफ्यूज हैं और दूसरों को कंफ्यूज करते हैं, बराबर, आपकी जबान में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपका तो विजन नहीं है, एक बात यहां से ले लिया, एक बात यहां से ले लिया और आपने बोल दिया, फिर क्या होगा, मगर बेभानपना शब्द जो आपने यूज किया है वो क्या, आप क्या बताना चाहते हैं, व्यवहार का मतलब होता है जिसका वन सेंस का भी ज्ञान नहीं है, वन सेंस है
ज्ञान वो इनएक्टिव, एक इंद्रिय इनएक्टिव वो निगोद है, एक इंद्रिय एक्टिव वो व्यवहार से व्यवहार का मतलब तो इनएक्टिव इतना कॉन्शियस नहीं है। तो हर बातों का साइंस के अंदर उत्तर है, तो मैंने हर बातों का पिक्चर आंसरेबल रखा और प्रिंसिपल के फॉर्म में रखा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अल्टीमेट साइंस है। और आप कहीं से भी उठा के ले आओगे किताबों में से तो आपको पजल होगा, क्योंकि आपने उठा के लाए, आपके पास कोई विजन नहीं है जो क्रॉस नहीं होने वाला है। अभी कोई कहेंगे कि भैया स्वामी जी आपने कहा कि निगोद तो अलग है, तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि निगोद तो एक ही होता है और लोक में ही निगोद है। तो मैंने कहा शास्त्र में लिखा है, मैं डिनाई नहीं करता हूं, मेरा विजन ये कहता है, आपको जो मानना है वो मान सकते हैं, ठीक है। तो उसमें गलत सही की बात नहीं है, भी मेरा विजन है, उसमें मेरा सॉल्यूशन है, पजल नहीं है। अभी आपको ये स्वीकारना है पजल के साथ तो स्वीकार कर सकते हैं, मैं कहां मना कर सकता हूं। मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, रैंडम नहीं चाहिए, और सॉल्यूशन ऐसा चाहिए जो परमानेंट होना चाहिए, बार बार चेंज करना पड़ता है वो सॉल्यूशन नहीं है। निगोद में जो आत्मा है उसके साथ शरीर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि संपूर्ण भगवान है, तो आत्मा होते हुए भी संपूर्ण भगवानता है और साथ में एक निर्जीव वस्तु को देखें, तो दोनों में से डिफरेंस कैसे करेंगे कि यहाँ पे आत्मा है और यहाँ नहीं है? निगोद में तो कोई डिफरेंस करने वाला है ही नहीं, निगोद में नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि भाई निर्जीव वस्तु में बिल्कुल भगवानता है और एक निगोद का जीव है उसमें भी भगवानता है, तो हम दोनों को निर्जीव बोलते तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है निर्जीव का जो एलिमेंट होता है जड़ तत्व का, जड़ तत्व जो होता है, तत्व का लाइफ नहीं होता है, अवस्था का लाइफ होता है। छह तत्व है ना, इसमें एक का लाइफ नहीं है, मगर छह तत्व की अवस्था का लाइफ है, तो एक केंद्र जीव अवस्था है और इसलिए उसका लाइफ है। जो तत्व है उसका लाइफ नहीं है, जड़ तत्व है एलिमेंट उसका लाइफ नहीं है, वो परमानेंट है, मगर अवस्था है तो उसका लाइफ है, और अवस्था के आधार से भी उसको चेतन कहेंगे नहीं तो नहीं कहेंगे। जैसे जिससे पत्थर होता है, जिस पत्थर के अंदर आप वनस्पति उगा सकते हैं वो पत्थर लाइव है, नहीं उगा सकते वो जड़ है, आप समझे? तो ये आइडेंटिफिकेशन है, जड़ के अंदर ग्रो नहीं होता है, जहां कुछ भी चेतन है तो ग्रो हो सकता है, आप समझे ना? तो ये तो बहुत सूक्ष्म साइंस है। ये जो डायमंड है वो भी उसमें जीव है, आप समझे, ज्ञानी भगवंतों ने बताया है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति अवस्था के रूप में कोई जड़ नहीं हो सकता है, मगर हम उसमें जीव है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हमारे छोटे विजन से, मगर सब में अवस्था है, आप समझे, तो जीव है। उसमें जीव का मतलब क्या है मैं समझाऊं, जो एटम का टू पीसेस होता है, इन बिटवीन स्पेस है और स्पेस के अंदर क्रिएचर है, तो वो डायमंड का क्रिएचर कहो या ना कहो मगर क्रिएचर तो है, आप समझे ना? जो जो जिसका दो पीस होता है इट मींस इट्स अ स्पेस, और स्पेस के अंदर क्या होता है, क्रिएचर होता है, वायु तत्व बता तो है ना, वो भी क्रिएचर है। यस स्वामी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक छोटी सी, ओके, यस प्लीज। आत्मा छे અને સંપૂર્ણ વિભાનતા છે અથવા કોન્ટ્રાડિક્ટિવ નથી, આત્મા કંઈક તો અંશે એને જ્ઞાન કંઈક તો અંશે ખુલ્યું હોય, કારણ કે શ્રીમદ રાજચંદ્રની પુસ્તકમાં એમણે વાક્ય લખેલું છે, બીજા લોકોએ એને બુક બનાવી છે, તો એમાં એવું લખેલું છે કે એક આંગળીના અનંતનો ભાગ પણ નિગોદના જીવને વાન કે જ્ઞાન હોય છે નહીં? દેખો બતાવો મેં આપકો યે વો ક્યા કહેના ચાહતે હૈ, જૈસે કોઈ વ્યક્તિ યહાં ઇન્સાન કે રૂપ મેં હૈ और वो व्यवहार हो गए, या उसकी बॉडी तो काम नहीं करती है, ये साइंसेस भी काम नहीं करती है, फिर भी वो अंदर तो लाइव है, अंदर मर गया नहीं है, आत्मा भी है, ब्रीदिंग भी है, खाली ये बॉडी इनएक्टिव हो गई, जिसको हम फिजिकल बॉडी या मशीन कहेंगे वो मशीन इनएक्टिव हो गया है, ठीक है, ये ब्रेन जो है वो इनएक्टिव हो गया है, इसलिए सब कुछ इनएक्टिव हो गया, अंदर तो वो एक्टिव है, अंदर भाव भी कर सकते हैं, आप समझे ना? तो इस प्रकार से, हालांकि यहाँ तो डेवलपमेंट के बाद की बात है तो भाव कर सकते हैं, वहां तो डेवलपमेंट है ही नहीं, साइंस का भी ज्ञान नहीं, तो क्या करेगा, उनके पास जो भी ज्ञान प्रकाश है एक्सेप्ट इट, यूज कैसे करेंगे विदाउट डेवलपमेंट,
how they can use it. नहीं use नहीं हो रहा है लेकिन जन्म मरण तो हो रहा है तो जन्म मरण में cause effect. इसीलिए कहते हैं कि जन्म मरण हो रहा है वो correct बात है और उसके अंदर ज्ञान प्रकाश है वो भी correct बात है मगर रोल नहीं है कोई क्या नहीं है तब क्या करोगे मैंने क्या कहा रोल नहीं है का मतलब क्या हुआ हम अगर एग्जांपल देते हैं कि भाई हम नॉर्मली क्या कहते हैं आध्यात्म के मार्ग में कि आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है ये कहते हैं हमने पहली बार कहा कि आत्मा के अगर ज्ञान दर्शन नहीं होता है आत्मा के अंदर ज्ञान होता है उसके हाजिरी में डेवलपमेंट होता है इसको दर्शन कहते हैं और दर्शन केवल ज्ञान तक ही है बॉडी का निर्माण होता है तो सिर्फ ज्ञान होता है पहले क्या बोलते थे ज्ञान दर्शन वाला आत्मा है ठीक है तो मैंने कहा दर्शन का वहां रोल ही नहीं है फिर है नहीं का मतलब क्या है जब छह तत्व नहीं बाकी के चार तत्व नहीं है अवस्था नहीं है तो फिर रोल क्या रहेगा दर्शन का तो इसीलिए कैपेसिटी का सवाल नहीं है रोल ही नहीं है तो फिर तो ऐसे वहां रोल ही नहीं है उसको ज्ञान भी नहीं है वन सेंस का भी ज्ञान नहीं है इनएक्टिव मोड में है ना तो आत्मा का प्रकाश नहीं वो तो सवाल ही नहीं है ना वो तो होगा ही जब जीव है तो आत्मा का प्रकाश है उपयोग क्या है कुछ भी नहीं है तो वहां जो कॉज इफेक्ट हो रहे हैं वो क्या नहीं होता है नहीं होता है क्योंकि जन्म मरण तो है ना वो इसीलिए इसको बट नेचर बोला है मतलब वो फिर वो हाइड हो गया बट नेचर में सब छुप गया सही सही बात है केवल ज्ञानी भी नहीं बताया तीर्थंकर ने भी नहीं बताया राजा भगवान ने भी मना किया है और मेरे पास भी कोई विजन नहीं है ऐसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं इसीलिए मैंने बट नेचर बताया उसकी प्रायोरिटी क्या है कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है तो मैं ऐसे रैंडम तो नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज आई एम साइंटिस्ट जो मेरे विजन में नहीं आएगा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि एक बार मैंने गलत बोल दिया फिर क्या हो जाएगा सॉफ्टवेयर का फिर हार्डवेयर क्या हो जाएगा वही हो जाएगा तो इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूँ किसको जो बोलना है वो बोल सकता है मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो फिर उस टाइम लग जाएगा कि स्वामी जी ने ऐसा कहा है बस ऐसा नहीं होना मेरे को नए विजन में दिखता है और इसलिए मैं साफ बोलता हूँ कि मेरे को नहीं मालूम है मैंने बट नेचर कहा पांच तत्व गति सहायक सब है ना वो एक आत्मा को अपना कर्म का हिस्सा देने के लिए लेकिन उनका कुछ कॉन्शियस माइंड जैसे रहता है जो कि हर एक पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट कर्म एक ही जगह में दूसरा फीलिंग देने के लिए वो कैसे वर्क होता है नहीं नहीं आप आत्मा की बात करते हैं प्रकृति की बात करते हैं पांच तक वो सब मिलके एक कर्म देते हैं एक समझ गया वो कैसे वर्क वो कैसे वर्क होता है बताओ तत्व तो रिजल्ट के देने के लिए होता है किसके लिए होता है नहीं वो गति सहायक तत्व है एक स्थिति सहायक वो सारे मिलके एक जगह आके आपको कर्म का हेल्प करता है कर्मों को डिस्चार्ज में हेल्प करता है वो उनको कैसे यही देना है ऐसे कुछ उसका कॉन्शियस माइंड जैसा कुछ वो कुछ नहीं सबका रोल होता है म्यूचुअल रोल क्या होता है म्यूचुअल रोल होता है उनको रिजल्ट डालना वो उनकी ड्यूटी है क्या है चॉइस नहीं है क्या नहीं है समझ में आया देखो आपको स्थूल एग्जाम्पल दे दूं देखो आपको पोस्टमैन बनाया पोस्टमैन का काम क्या है पोस्ट की डिलीवरी करना फिर पोस्ट कैसी है उसमें चेक है बिल है नोटिस है वो आपको देखना नहीं है अच्छा लेटर है गलत लेटर है वो देखना नहीं है आपको यू डिलीवर ओनली दैट्स योर ड्यूटी ऐसे उनका भी क्या है ड्यूटी है कि एग्जाम का रिजल्ट देना है और उसमें उसका सबका रोल होता है जड़ तत्व का गति सहायक स्थिति सहायक टाइम एंड स्पेस सबका अपना अपना रोल होता है वो न्यूट्रल है उससे कोई कंसर्न नहीं है अवस्था से मगर अवस्था में रिजल्ट लाने के लिए वो निमित्त बनते हैं रिजल्ट आ गया खत्म हो गया उसका रोल फिर दूसरा संजोग आएगा आत्मा के पावर से ऐसे ये लोग आत्मा के पावर से ही कुदरत को काम करना पड़ता है नहीं तो कौन सेवा करेगा पैदा होते ही माता पिता कौन देगा भाई भाई बहन कौन देगा रहने का मकान धर्म कौन देगा सब कुछ मिलता है क्योंकि रिजल्ट है दे हैव टू गिव यू यही तो मैंने यही तो कहा आत्मा का पावर है कि आत्मा की हाजिरी में जो कर्म चार्ज किया है कुदरत को फल देना ही पड़ता है और कुदरत जड़ है और आत्मा चेतन है चेतन का पावर होता है
जड़ का पावर होता है, मगर वो चेतन के साथ उसका कंपटीशन और कंपैरिजन, क्योंकि चेतन में एक ही पावर है, ज्ञान पावर, जो पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोल कर सकता है। जड़ के पास जितने भी पावर है, ज्ञान नहीं है तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, अच्छा बुरा कर सकता है, दैमितिक रूप से पूरी दुनिया को उथल पाथल कर सकता है, जड़ का पावर। ज्ञान कहाँ से लाएंगे? तो ज्ञान किसमें है? ज्ञान प्रकाश आत्मा में, जो पूरे ब्रह्मांड को अनकवर कर सकता है, सभी रहस्य को खुला कर सकता है, बाकी के पांच तत्व वो नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत सारे ज्ञानी और सब लोग हो, अगर एक ही अब अज्ञान ही मिटाना है, वही तो अल्टीमेट साइंस है, अज्ञान अज्ञान। फिर भी इतने सारे पात हो गए, जैसे बहुत सारे पात्र कर्म कार्मिक पात है, बहुत सारे वो फिर ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो एक ही बात क्यों नहीं करते, बहुत सारे क्यों बात करते हैं? एक ही समझ में एक ही अभी विज्ञान ही बताना है तो विज्ञान को ही इम्पोर्टेंस न दे के बहुत सारे बताते हैं ना पात्र। आपका प्रश्न का मैं कंक्लूजन निकालूं, आप ये कहते हैं अभी अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बहुत सारे बताए, समझाओ आपका प्रश्न क्या है। अभी बहुत सारे लोग धर्म के माध्यम से कहो या व्यवहार के माध्यम से कहो या उपदेश के माध्यम से विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है, तो सब लोग साइंटिस्ट क्यों नहीं है? बात तो साइंस ही करते हैं, साइंटिस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि साइंटिस्ट बनना मतलब वो अनुभव की बात है, वो अनुभव है तभी वो साइंटिस्ट कहेंगे, उनसे साइंस के टीचर कहेंगे, एंड द टीचर दे फॉलो द ट्रेडिशन। नाउ यू अंडरस्टैंड, वो बात भी क्या करेंगे, वही करेंगे जो साइंटिस्ट करता है, वही करेंगे, शब्द तो वही रहेंगे मगर विदाउट, तो इसको टीचर कहेंगे, साइंस के टीचर सेम बात करेंगे। टीचर का मतलब दे फॉलो द ट्रेडिशन, दे फॉलो द स्क्रिप्चर विदाउट ओन एक्सपीरियंस। साइंटिस्ट क्या कहेगा, मेरा अनुभव है, मैं शेयर करता हूँ, द वर्ल्ड इज एक्सेप्ट और नॉट, दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट, माई सब्जेक्ट इज वॉट एवर आई रियलाइज आई प्रेजेंट टू द वर्ल्ड पीपल ऑफ वर्ल्ड, दैट्स इट। कौन स्वीकार है कौन, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और आई डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द अदर्स। दुनिया के लोगों के पास मेरे को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बांटने के लिए निकला हूँ, बेचने के लिए नहीं निकला हूँ, आप समझे ना, दैट्स इट। तो इसीलिए मैं जो अनुभव मेरे को होता है मैं लोगों को शेयर करता हूँ, किसी को पसंद आए ना आए हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। राम और कृष्ण ने अपने जीवन में पूरी लाइफ में 25 व्यक्तियों के सामने प्रवचन नहीं किया है, तो दे आर नॉट अनकैपेबल, इट इज उदय कर्म, इट इज और लाखों लोग कथा में जाते वो भी उदय कर्म है, वो अचीवमेंट नहीं है, तो विज्ञान तो विज्ञानी है और शास्त्र ज्ञानी शास्त्र ज्ञानी है, यहाँ क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है। अभी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सिर्फ विज्ञान का साइंस न देखकर वो भक्ति मार्ग है कुछ और ऐसे सब कुछ बताया, तो अगर अर्जुन को सिर्फ विज्ञान की जरूरत थी तो ये इतना सब पाप क्यों बताया ऐसे? ये कृष्ण भगवान ने, ये गीता कृष्ण भगवान की नहीं है, ये आज के कृष्ण की है, वो कृष्ण भगवान की गीता नहीं है, ये आगम भी महावीर के नहीं है, और ये वेदांत भी शिव के नहीं है, रामायण भी राम की नहीं है, ये सब धर्मगुरुओं ने अपने अपने समय पे उसको मोड़ दिया है, टू हेल्प द अदर पीपल, टू गाइड द अदर पीपल, वो मोड़ के साथ चेंज करते रहे हैं। आज देखो आप कहोगे रामायण, बोला मुरारी बापू की रामायण अलग, उसकी अलग, उसके अलग, बोला बापू की रामायण कैसे, हम तो राम की रामायण सुनने के लिए, तो बापू की रामायण है, यानी हर व्यक्ति की अलग अलग रामायण, राम नहीं कहोगे रामायण, अलग अलग हो गए, आप कहेंगे ना कि मैंने तो उनकी रामायण, अरे उसकी मत पढ़ो, इसकी पढ़ो, भाई हमको तो राम की पढ़नी है, मगर सबका व्यू पॉइंट क्या हो गया, तो उसमें फिर सार तो नहीं निकलेगा ना, लोगों के पास विजन नहीं, वो एक को फॉलो करेंगे क्या करेंगे। तो इसीलिए दुनिया के जितने भी धर्म गुरु हैं, जो भी, वो सब सच्चे हैं, कोई गलत नहीं है, सब सच्चे हैं, मगर उनके पास जो सोच है वो बता रहे हैं, जिसके पास सोच नहीं है दे फॉलो द ट्रेडिशन, भी हमारे गुरु ने
या हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है हम आपको बता रहे हैं, बट आई हैव नो एनी एक्सपीरियंस, यू अंडरस्टैंड मी, ये सब टीचर है, क्या है टीचर, टीचर समझते हैं, दे फॉलो द सिलेबस, आप समझे बस, तो उनके पास खुद ही कहता है कि मैं किताब में से बोलता हूँ, तो इनके पास कितनी अपेक्षा रख सकते हैं, यू अंडरस्टैंड मी, दैट्स इट। मगर दुनिया चलती है, क्या चलती है, कई लोग मेरे को कहते हैं स्वामी जी आपके पास तो बहुत कम लोग आते हैं, मैंने बोला मेरे हिसाब से ज्यादा लोग आते हैं, वो आपकी दृष्टि है, बोला ऐसे क्यों, तो बोला ऐसे क्यों करते हैं, इतने लोग कम आते हैं, लाखों लोगों को सुनना चाहिए। मैंने बोला देखो ये किराए की दुकान नहीं है, किराने की दुकान नहीं है, ये डायमंड की दुकान है, यहाँ कम लोग आएंगे और भी इससे भी कम आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हमको संख्या से पहले से भी इम्पोर्टेंट नहीं था, आज भी नहीं है, ये क्वालिटी का मार्ग है, क्वांटिटी का मार्ग नहीं है, हर बात में क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं, आप समझे, संख्या इससे भी 50% हो जाए हमको वरीज नहीं है, संख्या से इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आप देखो समर पुरुष एक ही काफी होता है, लाखों नहीं होते हैं, राम भी एक थे काफी थे उस समय, कृष्ण भी एक थे वो काफी थे, महावीर भी एक थे वो काफी थे, श्रीमद रामचंद्र और दादा भगवान भी एक थे वो काफी थे, वो डरते नहीं थे कि लोग क्या कहेंगे, लोग मानेंगे कि नहीं, दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट, मैं अपने अनुभव को पेश करने के लिए दुनिया में पैदा हुआ हूँ और पेश करता रहूंगा, किसको स्वीकारना है उनकी फ्रीडम है, फिर क्या तकलीफ है, मैं किसी को कंपल्सरी गुरु शिष्य बनाऊंगा तो तकलीफ हो जाएगी, मैं गुरु हूं नहीं शिष्य बनाता नहीं, मैं अपने अनुभव को शेयर करता हूँ और कहता हूँ मैं साइंटिस्ट हूँ, आप भी साइंटिस्ट बनो, वो भी आपके खुद के अनुभव से, मेरे अनुभव से नहीं, मैंने तो आपको बेस दे दिया, क्या दे दिया, इसी को अनुभव उसको एप्लीकेशन करके अनुभव करो और वो अनुभव आप भी बांट सकते हैं, फिर तकलीफ कहाँ है, मैं किसी को स्टक करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद स्टक होना नहीं चाहता हूँ, आप भी मुक्त रहो ताकि मैं मुक्त रहूं, आप समझे, तो बात ये है, या बंधन की तो बात ही नहीं है, है कोई प्रश्न, ओके भी लास्ट क्वेश्चन, अभी सिग्नल आ गया, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, किसको, चलो बोलो, अभी तो कुछ औरतें फाइलों के कुछ संजोग आते हैं चलते हैं और उस पर ये तो अंदर भाषा चलते ही रहते हैं, कुछ भी वो तो अलग रह के मालूम होता है, ऐसे चलते ही रहते हैं, कुछ समय में उसमें तन्मय भी होता है वो भी मालूम होता है, प्रतिष्ठात्मा को ही मालूम होता है वो भी समझ होता है, और ऐसे कब तक चलते ही रहते हैं, क्या चलते रहेगी ये भाषा अंदर चलती रहेगी, लास्ट ब्रीथ तक चलती रहेगी, अपने को क्या है, ये तो मशीन है, मशीन समझते हैं, आप टेंशन मत लो, मैंने सुबह कहा था ना ब्रीथ कितना है वो काउंट नहीं कर रहा है, वो चलता रहेगा, ऐसे संजोग भी आते रहेंगे और जाते रहेंगे, हमको काउंट नहीं करना है, क्या बताया, काउंट नहीं करना, काउंटिंग करोगे तो फिर लोड हो जाएगा, लोग ऐसा भी है बिना पैसे वाले भी जीते हैं और पैसे वाले पैसे से मरते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पैसे से जीना ही है, बिना पैसे मरे जाते जरूर नहीं है, दोनों जी सकते हैं दोनों मर भी सकते हैं, डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, लोग पैसे के आधार से मर जाते हैं और कई लोग बिना पैसा भी जीते हैं, तो बात इम्पोर्टेंट पैसा नहीं है, इम्पोर्टेंट बात है आपके संजोग, संजोग है तो आपको इस प्रकार से जीना है तो इस प्रकार जीना है, आप समझे, अलग अलग रहते हैं वो तो चलते ही रहते हैं और अलग रहते हैं, और उसमें एक क्वेश्चन आता है ऐसे ये सब कितने तक चलते रहते हैं वो भी मालूम होता है, ये तो अलग है, ये तो चलता रहेगा, हाँ चलता रहेगा वो भी मालूम होता है, और एक है ये शुद्ध चारित्र और चारित्र मोह, इसमें डिफरेंस क्या है और ये क्या होता है, चारित्र मोह, चारित्र मोह जो शब्द आपने उपयोग किया वो इक्वलेंट एज अ सम्यक मोह और अधर्म, आपने जो चारित्र मोह शब्द, चारित्र मोह वो तो मालूम नहीं है वो तो okay. क्या होता, ओके क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग है, इसलिए मैंने कहा सम्यक मोह का मतलब होता है आत्मा का मोह, मगर वो उद्भव गति की ओर ले जाता है, और प्रकृति का जो मोह होता है वो अधोगति की ओर ले जाता है, तो मोह तो दोनों है, आत्मा का मोह को भी मोह कहते हैं मगर वो सम्यक है, और ये मिथ्या मोह है, मिथ्या मोह हमको यहाँ
घुमाता है और सम्यक मोह हमको आगे ले जाता है। भले मोह आत्मा का है मगर आत्मा का है ना, आत्मा का है तो इसीलिए वो आपको आगे ले जाएगा, मगर वो भी मोह है, सम्यक मोह, ये मिथ्या मोह। तो दोनों बात को हमको समझना पड़ेगा। आप समझे ना, शुद्ध चारित्र, सम्यक ज्ञान प्लस सम्यक दर्शन इज इक्वल टू सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य में रहना हर संयोग में वो सम्यक ज्ञान है, और हर अवस्था में रहना है मन वचन काया और इंद्रियों से दिखती हुई पूरी दुनिया वो कुदरती रचना है, वो सम्यक दर्शन है। अगर ज्ञान दर्शन शुद्ध है तो चारित्र क्या रहेगा? शुद्ध। शुद्ध का मतलब राग द्वेष बिना, वो वितराग चारित्र है। ज्ञान शुद्ध, दर्शन शुद्ध, चारित्र भी। ये तो अंदर हो गए तो वो तो शुद्ध चारित्र बाहर दिखता है। कौन सा चारित्र है? कौन सा चारित्र? वो तो शुद्ध चारित्र बाहर दिखता है, मतलब माने बर्तन वैसा ही होता है। वर्तन वो तो वो द्रव्य चारित्र है, वो चारित्र नहीं कहते उसको, लौकिक भाषा में कहेंगे, आध्यात्मिक भाषा में उनको चारित्र नहीं बोलते हैं, लौकिक भाषा में चारित्र कहेंगे। आप समझे, रामकृष्ण महावीर का जो जीवन था बाह्य जीवन, वो लौकिक भाषा में चारित्र कहेंगे, आध्यात्मिक भाषा में उसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि वो उदय कर्म है। पुरुषार्थ कौन सा है? जो अंदर सेपरेट रहे, निर्मोही रहे, अपने अज्ञान को खत्म कर दिया और ज्ञान और दर्शन का परमानेंटली शुद्ध उपयोग किया, उससे जो चारित्र बना अंदर वितरागता का, वो उनका चारित्र है, मगर वो बाहर दिखता है, वो उदय कर्म है, और बाहर का जो है वो तो उदय कर्म है, तो वो डिस्चार्ज है, वो है या नहीं है वो सब्जेक्ट नहीं, वो अंदर होता है। शुद्ध चारित्र माने वो अंदर, सम्यक ज्ञान, इट इज अ मैटर ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस, उपयोग और अनुभव होता है, इसमें उपयोग नहीं, ये तो मैकेनिकल है। મરવા સાથે કર્મ બાંધ્યા, જે સબ્જેક્ટ થોડો લંબાવા જેવો હતો, આ ભાઈએ જે કીધું ને કે તમે કર્મ મૃત્યુ સાથે બાંધ્યા છે એટલે તમને નેક્સ્ટ બર્થ લાગે છે, એક્ચ્યુઅલી એ કન્ટિન્યુ ચાલે છે, એ વાતને થોડી ડિટેલમાં સમજાવવા જોઈએ, એની વે મેં તો સમજી લીધી, પણ હું ક્યાંય ને ક્યાંય એવું સમજવા માંગુ છું, અથવા તો તમે બી દર વખતે તમારા સવાલોના જવાબ આગળથી આગળથી ડેવલપ, અમને એવું લાગે કે આ અમારાથી હજી કંઈક નિચોડ લઈ લઈએ, હજી કંઈક નિચોડ લઈ લઈએ, તો નિગોતની વસ્તુ જ્યારે અહીંયા આવે છે એમાં એનો કંટ્રોલ છે? 108 જીવ ફરજિયાત મોક્ષે જાય છે, ત્યારે 108 જીવ ફરજિયાત આવે, એમાં આપણો કંટ્રોલ નથી, જે કંઈ અમે ભોગવી રહ્યા છીએ એમાં અમારો કંટ્રોલ નથી, તો એઝ એ ગેમ નહીં લાગતી કે અહીંથી એક વન સબ્જેક્ટ ટુ સબ્જેક્ટ પછી અલગ અલગ સમજણ સાથે તમે ડેવલપ થઈ રહ્યા છો, બરાબર, તો ક્યાંય ને ક્યાંય આખી પ્રક્રિયા ને બીજા અનુસંધાનથી બી મૂલવીએ કે ધારો કે ભાઈ આદિનાથ ભગવાન હતા ત્યારે મહાવીર સ્વામી ભગવાન એમના વિરોધી હતા, છતાં બી એમણે કીધું કે આ વ્યક્તિ એ તીર્થંકર બનશે, હવે એ જે યુગ છે એ એકચ્યુઅલી એ જીવો બીજા યુગથી બીજા સરકારથી આવેલા છે, માટે એ લોકો ભૂતપૂર્વ 24 કોણ થયા એના નામ પણ બોલે છે, વર્તમાનમાં છે એમાંથી પણ એ બીજા યુગનું આખો સંઘર્ષ કરીને 24માં બનશે, માટે એ લોકો એ બીજા 24ના પણ નામ આપે, પણ આપણી ભાષામાં આપણને એ ત્રણ યુગ દેખાય, ત્રણ સર્કલ દેખાય છે, તો ક્યાંય ને ક્યાંય આ કમ્પ્લીટલી પ્રક્રિયા ઓટોમેટિક છે એવું હું માનું છું, કે ભાઈ આપણે એક સંઘર્ષ કરીએ, તમારી વાત બિલકુલ સાચી કે છેલ્લા જન્મ સુધી તમને પત્ની મળશે, પણ વે ટુ મોક્ષ, મોક્ષ એક પકડી રાખો કે ભાઈ મારે હવે મોક્ષે જવું છે, સમય સંજોગો પતિ પત્ની જે કઈ હિસાબના એ આવે જાય, પણ તો જાણો કે એક વખત તમે એવું બી કીધું કે તમે દૂરમાં દૂર 7 જન્મ સુધી જોઈ શકો, 7 ભવ સુધી ડેવલપમેન્ટમાં ડેવલપમેન્ટ વ્યક્તિ તમારા હાથથી 7 ભવ અગેન્સ્ટ અને 7 ભવ દૂર જોઈ શકે, એવું ક્યાં કીધું છે? કર્મો બાંધી શકે તો જોઈ શકે, એક્ચ્યુઅલી કે ભાઈ શ્રીમદ રાયચંદ્ર 900 ભવ દેખે છે તો મને થોડી કરતા હા બાંધી શકે મેક્સિમમ 7+1 હા, તો એ બધી વસ્તુનો પ્રૂફ ને આવરણ જોતા એવું લાગે છે કે ભાઈ ક્યાંય ને ક્યાંય આ વસ્તુ એક બની રહી છે, તમે એના પાત્ર વે ટુ ચાલ્યા કરો એમ,
आपकी बात को अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, सिर्फ शॉर्ट में उत्तर दे दूं, समय की मर्यादा के अंदर, तो इतना बोल सकता हूं कि आपको, आप जितनी बार फेल होंगे इतनी बार एग्जाम देनी पड़ेगी। वो बात पर और पास हो गए सभी एग्जाम में से तो मोक्ष में चले जाओगे। जितनी बार फेल होंगे, लाख अवतार फेल होंगे, तो रात अपनी सब एग्जाम देनी पड़ेगी, और पास हो गए एक ही ट्रायल में तो आगे भी बढ़ सकते हो। ऐसे जितने भी कुदरत के एग्जाम है सब आपको पास करनी पड़ेगी। इसमें कितना बर्थ होता है वो काउंट करने की जरूरत, वो काउंटिंग है ही नहीं बस। तो ये बर्थ का काउंटिंग वो रिलेटिव सत्य है। कुदरत कहते हैं पास हो जाओ मोक्ष में जा सकते हैं। आई एम नॉट कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड, कुदरत कहती है मैं, हम कंट्रोलर नहीं है आपके, क्योंकि तुम्हारे बांधते हैं तभी तो रिजल्ट देते हैं। नहीं बांधो मतलब पास हो गए, फेल होंगे तो हमको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। हमारे मोक्ष से जवा माटे हमेशा संघर्ष संघर्ष ने संघर्ष करवो पड़े छे, वो करे जन्म ऊपर जन्म पण लेवो पड़े छे। केम के तुम्हारी समझण थी तुम हमेशा एक बीजा नु एक बीजा ने मारी ने अथवा एक बीजा जोड़े संघर्ष करीने आगळ रही जाओ छो। एक धारो के एक एक गर्भनी अंदर एक बीज ने जवुं होय तो एक केटला बधा ने बीज ने मारतो मारतो छे त्यां सुधी पहोंचे छे। मतलब के तुम्हारे छे त्यां सुधी संघर्ष, તમારી સમજણ ને ડેવલપ કરવાનો સંઘર્ષ છે, બટ નેચરલ હે, બરાબર હે। તો ઇસીલિયે ઇસીલિયે મેને કહા ને જીવન એક સંઘર્ષ હે, મગર સંઘર્ષ કો આપ દુખ મત સમજો, સંઘર્ષ અનુભવ દેને કે લિયે હે, અગર આપકે પાસ સહી દ્રષ્ટિ હે તો। તો સંઘર્ષ વો ગલત નહીં હે, મગર આપ કહોંગે કે દુખ રૂપ હે તો આપકો દુખ રૂપ લગેગા। મેરા કહેને કા મતલબ સિર્ફ ઇતના હે કે સંઘર્ષ હે, टाइम मत देखो, वेट एंड वॉच, जाना है आज नहीं कल नहीं परसों, सब को जाना है, बराबर। चलो समाप्त करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है आपका स्वरूप, वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।